ओके देन, नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। स्वागत है आपका इस नए सेशन में। पब्लिक, क्या आप ये चैप्टर, मेरा फेवरेट, मेरी दिलो जान सीखने के लिए तैयार हैं? देन लेट्स स्टार्ट यार। सो मिक्स्ड इमोशंस है, ट्रस्ट मी, हैव हैड द बेस्ट ऑफ द टाइम्स विद यू ऑल। लास्ट सेशन है तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ अधूरा रहने वाला है। आज से शायद 4-5 दिनों के बाद एक एक तुम लोग को मैं मिस करने वाला हूँ, जितने भी लोग थे मेरे से कनेक्टेड थे। एंड मुझे नाम याद रहेंगे, यामिनी बुचरी, अरे 101%। नाम छोड़, मैं तेरे को उसके साथ वो भी बता दूंगा किसने कौन सा लेक्चर अटेंड किया था, नहीं किया था, कब किसने क्या कमेंट किया था, क्या डाउट पूछा था। यार इतना मिस करूंगा तुम लोग को मैं। तुम लोग बताना भाई, तुम्हारा क्या हाल रहेगा? तीरा, हम आपको बहुत मिस करेंगे। सेम ईयर यार। हाँ मतलब आई नो 3-4 दिन है, बट फील आ रहा है थोड़ा। अरे इट इज नॉट लास्ट लेक्चर फरी, बट अब लास्ट चैप्टर है तो एक बोलते हैं ना, ऐसा वो गाना गाने का मन कर रहा है। बाबुल की दुआए लेती जा, जा तुझको तनसार मिले, मैं के की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। चलो गाइस, लेट द गेम बिगिन। एंड अपन स्टार्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। वी आर गोना रॉक इट। यस, थैंक यू सो मच विकास, सेम हियर। गुप्ता जी वेलकम, बहुत मजा आने वाला है। यहाँ पे हमारा एक अलग बॉन्डिंग बन गया है एंड वी आर ऑल गोना मिस इट। मोहम्मद जाकिर, AFM में मिलेंगे नवंबर के बाद। जाकिर वेटिंग फॉर यू गाइस। आई एम श्योर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स will be catching up on SFM या तो revision lectures के through या through live batches, but yes definitely special thing, special feeling. चलो चलो, let the game begin. So अपन कर रहे हैं start ये chapter जिसका नाम है standard. Yes, standard costing. Okay, so guys, क्या exactly है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग? बेसिक से पढ़ाने वाला हूं। अगर मैं तुम्हारे को पूछूं क्या तुम्हारे को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आता है, बिकॉज इंटरमीडिएट में ये कम से कम 10-15 मार्क का आता था, तो क्या आप लोग ने आईपीसीसी या इंटरमीडिएट में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किया है, तो आप लोग का क्या जवाब होगा? अगर आप लोग बोलते हो हाँ सर हमारे को तो आता है, हमारे को बेसिक्स आता है, तो मैं एडवांस लेवल से स्टार्ट करूंगा जो अभी फिलहाल रिक्वायरमेंट है इस सीए फाइनल का। बट अगर आप बोलेंगे नहीं सर हमारे को आप बेसिक से कराइए, तो मैं उस हिसाब से करूंगा। जैसा प्रजा चाहेगी राजा वैसा ही करेगा। चलो बिल्कुल नहीं, चलो ठीक है ठीक है। तो अब मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, जिसको आता भी है तो जो थोड़ा बहुत आपको आता है प्लीज अपने दिमाग से शिफ्ट कंट्रोल डिलीट कर दीजिएगा, बिकॉज अब मैं पढ़ाने वाला हूं आपको एकदम लॉजिकली, एकदम कॉन्सेप्चुअली, जिससे आपको एक भी फॉर्मूला जिंदगी में कभी याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू क्रिएट योर ओन फॉर्मूलास। ऑलराइट गाइस, ऑलराइट, ये वादा रहा। चलो पता नहीं ना ये किस चिड़िया का नाम है, आज हमको बताएंगे आपको कौन सी चिड़िया है। चलिए, सो लेट द गेम बिगिन। एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर रहे हैं अपन लोग। अच्छा, अब अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को बोला था, जब मैंने ट्रांसफर प्राइसिंग, विच वॉज माई फर्स्ट चैप्टर, जब मैंने वो चैप्टर स्टार्ट किया था, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि कोई भी चैप्टर स्टार्ट करना है तो अपने को एक चीज के बारे में सोचना है, एंड दैट बेसिकली इज द बिजनेस, बिजनेस, बिजनेस। देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तभी इंटरेस्टिंग बनेगा जब आप, जितना मैं आप लोगों को क्वेश्चन पूछते जाऊं उतने क्वेश्चन का जवाब देते जाओ, मेरे सवाल आपके जवाब, मेरे सवाल आपके जवाब, एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू रॉक इन दिस चैप्टर गाइज। लेट द गेम बिगिन। सो बॉस, कोई भी अपन लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, अपना एंड इंटेंशन एक ही है, एंड दैट इज टू अर्न ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस, बराबर के नहीं? अपना सपना मनी मनी। अब मैं अगर आपको बात करता हूं अपना सपना मनी की, देन इन दैट केस कौन सा बंदा है इंडिया में जो ये बोल सकता है कि यार ऊपर वाले का दिया सब कुछ है, पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं एक इंसान का नाम, आप लोग सब लोग मुझे बताओ कि
जो ऐसा बोल सकता है ऊपर वाले का दिया सब कुछ है, पैसे की कोई कमी नहीं है, जो शायद कभी ऊपर वाले को भी जरूरत पड़े तो पैसा दे दे ऐसा कौन है ए इंडिया में या वर्ल्ड में भी मैं तो बोल देता हूं यार बंदा इतना है नहीं। अरे थैंक यू, मेरा नाम लिया आपने, आप सबके मुंह में पिज्जा पाव भाजी घी शक्कर, बट फिलहाल मैं ऐसा नहीं बोल सकता, तो अब और कोई ऑल्टरनेटिव बताइए। करेक्ट करेक्ट, सो आप लोग सब लोग ने सही जवाब दिया, ये सब लोग को जवाब देना है जो भी यहां पे बैठा है, एवरीबॉडी गॉड डैम इट हैज टू आंसर। मुझे इंडियन चाहिए, इंडियन, कौन सा इंडियन है जो लक्ष्मी जी की फोटो को देख के बोल सकता है अरे कुछ आपको चाहिए लोन वोन तो बताना, दे दूंगा इंटरेस्ट फ्री सही बात है, सही बात है, थैंक यू राजीव जी। यस इट इज द मोटा भाई मुकेश अंबानी। अब आइए अपना एग्जांपल ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग स्टार्ट करते हैं एंड इसमें कनेक्ट करेंगे अपन लोग मुकु भाई को एंड दैट इज मुकेश अंबानी को। सो अब मेरा एक काम है यहाँ पे, मैंने आप लोगों को बोला था कि यार कोई भी आदमी कॉस्टिंग तभी यूज करेगा जब वो बिजनेस में इन्वॉल्व है, कोई भी आदमी कॉस्टिंग तब भी करेगा जब वो बिजनेस में इन्वॉल्व है, दूसरा अगर वो बिजनेस कर रहा है देन इन दैट केस उसका मेजर इंटेंशन इज टू अर्न नेट प्रॉफिट, इज टू अर्न नेट प्रॉफिट। अब मैं आपको एक्चुअली बताने वाला हूं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहां पे जन्म हुआ, कैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज होता है प्रैक्टिकली। बॉस काम किया है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, समझ रहे हो, 4 साल रिच काम किया है, तुम लोग तुम्हारी जिंदगी में कभी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं देखोगे, बट मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लिए एक्चुअली काम किया है। जी हाँ, बिकॉज तुम लोग सब ऑडिट और टैक्स के चट्टो बट्टो में यू नो तुम लोग तुम्हारी जिंदगी उसी में गुजरने वाली है, ऑडिट टैक्स एंड दिस एंड दैट यही सब, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैनेजमेंट कंसल्टिंग में जाओगे ना एक्चुअली तुम्हारे को पता चलेगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज होता है। जी हाँ, बट एज आई सेड आर्टिकलशिप में तुम लोग ने ऑडिट टैक्स किया है, आगे भी जाके यही जीएसटी और रिटर्न और यही सब के चोचलों में फंसने वाले हो तुम लोग, बट तुम्हारा भाई आज आपको बताएगा कि कैसे प्रैक्टिकली यूज होता है ये चैप्टर। यस एंड एक्चुअली मेरे कितने सारे रैंक होल्डर स्टूडेंट्स हैं जो आज की तारीख में बिजनेस कंसल्टेंसी फर्म्स में काम कर रहे हैं, लाइक बीसीजी, लाइक बेन एंड कंपनी, लाइक एडवेंट कैपिटल, एंड दे आर सेइंग सर ये रहा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो आपने पढ़ाया था वो आज हमारे को यूज आ रहा है। आई विश यहाँ पे जितने भी लोग अभी मेरा लेक्चर देख रहे हैं आप लोगों का भी मैसेज आया दैट सर यस दिस इज वॉट वी आर एक्चुअली यूजिंग इन आर लाइफ, बट दैट इज ओनली पॉसिबल इफ यू आर एबल टू गो एट द कंसल्टिंग लेवल। मतलब वहां पे तो पैकेजेस भी स्टार्ट होता है 15-20 लाख से मिनिमम, एंड जैसे जैसे ग्रो करते हो द स्काई इज द लिमिट, वैसा सीन है बॉस। मीति पूछ रहे इज मैनेजमेंट कंसल्टेंसी रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, नो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। सो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एज सच तो बहुत बड़ा स्पीयर है, तुम्हारे को किसी को चाहिए होगा उसमें एंट्री तो सीए बनने के बाद जरूर मुझे आपका रिज्यूमे दीजिएगा, विल बी मोस्ट हैप्पी टू गेट यू इनटू इट, बट उसका यू कैन से द इंटरव्यूज आर वेरी स्ट्रिक्ट, उसके लिए जो जो प्रोसीजर होता है दैट्स वेरी हाई लेवल, बट डेफिनेटली यू कैन मेक इट। तो वहां पे ये चीजें यूज होने वाली है, तो कैसे मैं आपको बताता हूं, सुनो। अब बिजनेस है, बिजनेस को अर्न करना है, टीपी का कॉन्सेप्ट थोड़ा बताया मैंने मैकलॉर्ड्स ऑडिट में, वेरी गुड सौरभ, ग्रेट टू नो यार, दैट्स सीरियसली दिस इज व्हाट आई वांट, कि तुम लोग जो मैं तुम लोग को इतने लास्ट 2 महीने से पढ़ा रहा हूं उसको जब तुम प्रैक्टिकली अप्लाई करना चालू करोगे ना बाय गॉड की कसम मजा आ जाएगा। अगर तुम्हारी वजह से तुम्हारे क्लाइंट का कॉस्ट सेव हो रहा है, तुम्हारी वजह से कहीं पे तुमको लग रहा है कि यार ये चीज को बेटर वे में किया जा सकता है जो कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़े हैं और उसमें थोड़ा आप खुद का तड़का ऐड करोगे, ट्रस्ट मी यू आर गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट, दिस इज वॉट माई प्रोमिस। सो डोंट जस्ट टेक द लर्निंग्स जो अपन ने लास्ट 2 महीने में किया है जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग मार्क्स, अगर तुम उसको एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से लोगे डेफिनेटली स्काई इज द लिमिट वेर यू कैन रीच। ग्रेट ग्रेट, सो चलो स्टार्ट करते हैं इस चीज को। सो बिजनेस को अर्न करना है नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट मैक्सिमम अर्न करता है उसके लिए मैं एग्जांपल लूंगा आप सबके साथ मुकेश भाई का। क्या आप लोग ने इनका नाम सुना है, क्या आप लोग ने मुकेश भाई का नाम सुना है, मुकेश भाई का नाम, बस तो मुकेश भाई के ऊपर अपना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एग्जांपल बेस्ड है, आइए सुनते हैं इसको। तो मुकेश भाई अगर आप लोगों को पता हो देन इन दैट केस तुम लोग कभी कोई एजीएम में गए हो, एनुअल जनरल मीटिंग में गए हो किसी कंपनी के,
यू शुड विजिट. सो आई हैव प्रैक्टिकली बीन टू एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ रिलायंस. सो व्हेन आई वाज व्हाट अराउंड 18-19 इयर्स ओल्ड, जस्ट मैंने अपना आर्टिकलशिप स्टार्ट किया था, मैंने एक शेयर खरीदा था रिलायंस का. मुझे स्टॉक मार्केट का तो बहुत कीड़ा था, तो मैंने एक शेयर खरीदा रिलायंस का. मुझे इन्विटेशन आया दैट आई कैन अटेंड द एजीएम. आई वेंट टू द एजीएम बिकॉज बॉम्बे में ही होता है रिलायंस के एजीएम थैंकफुली. सो आई वेंट टू द एजीएम देयर एंड वाओ व्हाट एन एटमॉस्फियर. उधर मैंने दो चीज ऑब्जर्व की. मुकेश भाई ने उधर दो चीज डिस्कस की. पता है क्या, मुकेश भाई ने उधर दो चीज डिस्कस की एजीएम में. पता है क्या डिस्कस किया एजीएम में, दो चीज डिस्कस की. एक, उन्होंने डिस्कस किया कि उन्होंने लास्ट एजीएम में कितना प्रॉफिट अर्न करने का सोचा था. एंड ये एजीएम में वो डिस्कस कर रहे हैं कि उन्होंने कितना प्रॉफिट अर्न किया. एंड सामने दूसरा चीज जो उन्होंने एजीएम में डिस्कस किया, वो उन्होंने डिस्कस किया कि नेक्स्ट ईयर में कितना प्रॉफिट वो अर्न करने वाले हैं. ठीक है, these are the two things that were majorly discussed by Mukesh bhai himself. Yes, so Mukesh bhai ne khud ne ye do cheez discuss ki. Ab tum log socho na, annual general meeting mein kya discussion hoga, annual general meeting mein kaun invited hota hai? Come on, tum log se utna expected hai. Maine bola na tum log ko, mere sawal tumhare jawab. Come on, फटाफट everybody. Annual general meeting mein kaun aata hai annual general meeting attend karne ke liye? Yes, it is the bolo chal. Absolutely correct. Can I say it is the shareholders who attend the meeting? Barabar hai. Shareholder matlab usne jisne paisa invest kiya hai Reliance mein, jaise ki main. अब शेयर होल्डर को किस चीज से लेना देना है, अगर आपने इंटरमीडिएट का एफएम का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है या अगर आपने एसएफएम का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, तो आपको एक ही चीज पता चलेगी, शेयर होल्डर को एक ही चीज से इंटरेस्ट है एंड दैट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. सही बोल रहा हूं मैं क्या, मैं सही बोल रहा हूं क्या? करेक्ट. सो एनुअल जनरल मीटिंग में बैठा है शेयर होल्डर को लेना देना है एक ही चीज से, विच इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. आप लोग बोल रहे हैं डिविडेंड प्रॉफिट, अग्री, बट एंड ऑफ द डे डिविडेंड प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ वेल्थ. तो इफ आई एम सेइंग वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, तो वो तो बड़ी चीज हो गई, उसी के अंदर का एक पार्ट है डिविडेंड, उसी के अंदर का पार्ट है बोनस, उसी के अंदर का पार्ट है कैपिटल अप्रिसिएशन ऑफ शेयर्स. तो ये सारी चीज आ गई वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में. तो वो जो शेयर होल्डर बैठा था उधर मुकेश भाई के सामने, उस शेयर होल्डर की आंखें और कान दो ही चीज सुनने के लिए तरस रही थी. एक, मुकेश भाई आपने लास्ट ईयर एजीएम में क्या प्रॉफिट कमिट किया था और कितना प्रॉफिट आया है, एंड ये ईयर में आप क्या प्रॉफिट कमिट कर रहे हो. एम आई राइट एवरीबॉडी? तो अगर आप लोग एक चीज नोट करोगे, देन इन दैट केस बेसिकली मुकेश भाई इज कंपेयरिंग प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर जो उन्होंने बजट किया था लास्ट ईयर के एजीएम में, उन्होंने बोला था ये साल हम लोग इतना प्रॉफिट आने का सोच रहे, एंड करंट ईयर का एक्चुअल प्रॉफिट. अरे हाँ कि ना, बराबर की नहीं? अरे हाँ कि ना, बराबर की नहीं? एंड एट द सेम टाइम ही इज ऑल्सो सेटिंग द टोन फॉर द नेक्स्ट ईयर्स प्रॉफिट, विच बेसिकली इज द बजट प्रॉफिट ऑफ नेक्स्ट ईयर. बजट प्रॉफिट ऑफ नेक्स्ट ईयर. एम आई क्लियर एवरीबॉडी? सो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेसिकली आपको पता है कहां पे यूज हो रहा है? आज की तारीख में हर एक कंपनी जिसका एजीएम होता है, वो हर एक कंपनी का जो सीईओ है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो अपने शेयर होल्डर के साथ डेफिनेटली यही दो चीजें डिस्कस करता है. एंड व्हेन यू आर कंपेयरिंग दिस बजटेड प्रॉफिट विद एक्चुअल प्रॉफिट, गाइस इसी को तो कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. क्या मैं सही बोल रहा हूं क्या पब्लिक? व्हाट से गाइस, क्या आप लोगों कभी आप लोग ने सोचा भी था कि एनुअल जनरल मीटिंग से
कनेक्टेड है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग? नो, वी वर ऑलवेज थॉट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस. अरे बाद में वो सब है, वो बाद की बात है, बट बेचारा इसका जन्म कहां से हुआ वो तो समझो. दिस इज वेयर इट ऑल स्टार्टेड एंड यहां से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फिर बाद में आगे कैसे अपने पर लेने वाला है. इट इज गोइंग टू ग्रो इज नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल गाइज, इज व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल. आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइज? यस. सो एक बेस ले डाउन हो गया है तो अब यस, समझ रहे हैं? सो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कौन यूज करता है? आज तक आपके लिए शायद आपको ये पता भी नहीं होगा, ना ही आपका ये कंसर्न होगा कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग साला कौन यूज कर रहा है. छोड़ना भाई, फॉर्मूला रटने का है, रट के चले जाएंगे, करना वो भी ना नहीं है, बट समझ लेते हैं ना यार, कर ही रहे हैं आखिरी बार, तो ऐसा करते हैं कि धूम मचा दे, रंग जमा दे, क्या बोलते हो? सो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज गोइंग टू बी यूज बाय एवरी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, एवरी सीईओ ऑफ द कंपनी हु इज रिस्पॉन्सिबल एंड आंसरेबल टू द शेयर होल्डर्स सिटिंग इन द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, जहां पे वो आपके साथ डिस्कस करने वाला है क्या बजटेड प्रॉफिट विद द एक्चुअल प्रॉफिट. आर वी अंडरस्टैंडिंग गाइज? यस सर, वी आर अंडरस्टैंडिंग. सो अब मैं आपके साथ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक बेस फंडामेंटल ले डाउन कर रहा हूं. दैट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज, डू यू नो व्हाट इट इज? द कंपैरिजन, इट इज द कंपैरिजन ऑफ बजटेड नेट प्रॉफिट जो एक सीईओ ने लास्ट ईयर कमिट किया था विद एक्चुअल नेट प्रॉफिट जो करंट ईयर में आया है और हमारे सीईओ ने उसको फाइनल किया है, हमारे सीईओ ने उसको फाइनल किया है. आर वी क्लियर एवरीबॉडी? राइट. सो समझ रहे हैं आप लोग इसका कनेक्ट? समझ रहे हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे हैं. अब कहानी को मैं नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा हूं, ध्यान से सुनना. अब यहां पर जब मैं बात कर रहा हूं प्रॉफिट की, अब जहां पे यहां पे जब मैं बात कर रहा हूं प्रॉफिट की, ठीक है, अब ये कंपैरिजन कौन कर रहा है एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स के साथ? ये कंपैरिजन कौन करने वाला है? मैं आपको पूछ रहा हूं, मुझे जवाब चाहिए, कम ऑन. ये कंपैरिजन कौन करने वाला है एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स के साथ? बोलो. करेक्ट. इट इज द सीईओ, इट इज द सीएफओ बेसिकली अपने एग्जाम्पल में ये डिस्कशन करने वाले हैं मुकेश भाई. कौन करने वाले हैं? मुकेश भाई. अब लास्ट ईयर के एजीएम में मुकेश भाई ने कुछ बजटेड नेट प्रॉफिट डिस्कस किया होगा अपने शेयर होल्डर्स के साथ, ठीक है. से फॉर एग्जाम्पल आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ द शेयर होल्डर. अब मेरे को बताओ ये जब मुकेश भाई ने बजटेड नेट प्रॉफिट सेट किया, एट दैट पॉइंट इन टाइम ये नेट प्रॉफिट कैसे आया होगा? टेल मी. ये जो आप लोग को नेट प्रॉफिट दिख रहा है वो कैसे आया होगा? मैं इन जनरल क्वेश्चन पूछता हूं, ये कोई भी नेट प्रॉफिट कैसे आता है? कैन आई से इट इज बेस्ड ऑन ओनली टू थिंग्स बॉस लाइफ में? सेल्स माइनस कॉस्ट, बराबर है. सो इन शॉर्ट मुकेश भाई को जब ये बजटेड नेट प्रॉफिट का डिस्कशन करना है,
बैठे हुए शेयर होल्डर्स के साथ वो ये डिस्कशन कैसे करेंगे, वो ये डिस्कशन करेंगे बेस्ड ऑन सेल्स विच इज बजटेड सेल्स माइनस बजटेड कॉस्ट। और किसी भी चीज का बजट बनाने के लिए आपको क्या लग रहा है, ये बजट बनाने के लिए क्या हमारे मुकेश भाई बैठेंगे और खुद एक एक बजट बनाएंगे या उनके पास पूरा टीम है जो ये काम करने वाला है? क्या राइट से उनके पास पूरा टीम है जो ये काम करने वाला है? एवरीबॉडी यस और नो? राइट, सो ही विल कॉल हिज टीम और उसके टीम को बुलाएगा और पूछेगा कि भाई चलो अपना अपना एस्टिमेट और बजट दो, उस बेसिस पे मुझे पता चलेगा कि कितना बजटेड सेल्स होगा, कितना बजटेड कॉस्ट होगा, मुझे पता चल जाएगा कितना बजटेड सेल्स है, मुझे पता चल जाएगा कितना बजटेड कॉस्ट है, फिर मैं जाऊंगा मार्केट में और फिर मैं मार्केट में जाके बोलूंगा बॉस इतना नेट प्रॉफिट आने वाला है, मेरे टीम मेंबर्स ने कैलकुलेट करके बताया है। अभी क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। तो अब ये कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, बजटेड सेल्स कैलकुलेट करना है, बजटेड कॉस्ट कैलकुलेट करना है, तो बेसिकली एक चीज याद रखना, सेल्स मतलब बजटेड सेल्स, यहाँ पे से फॉर एग्जांपल वैल्यू कैलकुलेट करना है, बट ये बजटेड सेल्स वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा? दिस विल बी बजटेड सेल्स क्वांटिटी, कि भाई कितना सेल्स क्वांटिटी बेच पाएंगे एंड इस सब जो भी अपना है उसका कितना सेलिंग प्राइस रखना पड़ेगा। मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं ये सेल्स क्वांटिटी मार्केट में अपन कितना बेच पाएंगे, इसके लिए मेरा एक मार्केटिंग मैनेजर होता है पब्लिक, वो मार्केटिंग मैनेजर डिसाइड करेगा कितना सेलिंग प्राइस रख पाएंगे, उसके लिए मेरे पास एक प्राइस कंट्रोलर होता है। जी हाँ, प्रैक्टिकली बोल रहा हूं गाइस, तुम लोग जब जब सीए बन जाओगे, से फॉर एग्जाम्पल जेपी मॉर्गन है, तो मैंने जेपी मॉर्गन में काम किया है, देर आर प्राइस कंट्रोलर्स जिनका काम होता है टू फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली शुड बी द प्राइस ऑफ अ पार्टिकुलर प्रोडक्ट और अ सर्विस। सो अब मुकेश भाई कैबिन में बुलाएंगे, किसको फोन करेंगे, हो हेलो मार्केटिंग मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर आप आ जाइए, बताइए जरा कितना बजटेड सेल्स क्वांटिटी होगा। वो कॉल करेंगे प्राइस कंट्रोलर को, वो कॉल करेंगे प्राइस कंट्रोलर को और पूछेंगे कितना बजटेड सेलिंग प्राइस होगा, एंड इससे अपने को पता चल जाएगा, मुकेश भाई को पता चल जाएगा दैट हाउ मच इज गोइंग टू बी द टोटल बजटेड सेल्स वैल्यू, हाउ मच इज गोइंग टू बी द टोटल बजटेड सेल्स वैल्यू। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? बोलो बोलो, टेल टेल। Yes. और दूसरे साइड पे होगा कॉस्ट, दूसरे साइड पे होगा कॉस्ट, ये जो मेरा बजटेड कॉस्ट है ये कौन डिसाइड करने वाला है, ये जो मेरा बजटेड कॉस्ट है ये कौन डिसाइड करेगा? पर उसके पहले मेरे को पता तो कि कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए कौन सा कॉस्ट लगता है। ये देखो आपको एक प्रोडक्ट दिख रहा है, ये प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या कॉस्ट लगेगा, ये प्रोडक्ट बनाने के लिए कॉस्ट दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट हो ये ही कॉस्ट लगेंगे। एक होगा मटेरियल रिलेटेड कॉस्ट, दूसरा होगा लेबर रिलेटेड कॉस्ट, तीसरा होगा वेरिएबल ओवरहेड रिलेटेड कॉस्ट, और चौथा होगा फिक्स्ड ओवरहेड रिलेटेड कॉस्ट। एम आई क्लियर एवरीबॉडी, यस और नो? तो अब वो सीधा मुकेश भाई जाएंगे कि भाई ठीक है मेरा बजटेड सेल्स वैल्यू तो आ गया है, क्यों ना अब मैं बजटेड कॉस्ट फाइंड करूं, एंड दैट इज वेयर ही विल फर्स्ट ट्राई टू कैलकुलेट मटेरियल रिलेटेड कॉस्ट। तो मेरे सुनो सुनो, मेरे को कितना सेल्स क्वांटिटी करना है पहले वो मेरे को पता चल गया, मार्केटिंग मैनेजर ने एक अंदाजा दे दिया कितना डिमांड आने वाला है, उस बेसिस पे मैं जाके मेरे मटेरियल मैनेजर्स को मिलूंगा, वहां पे बैठे होंगे दो लोग, एक बैठा होगा प्रोडक्शन मैनेजर, दूसरा बैठा होगा परचेज मैनेजर। मेरा प्रोडक्शन मैनेजर और मेरा प्रोडक्ट परचेज मैनेजर दोनों को मैं पूछूंगा बॉस कितना प्रोडक्शन करने वाले हो, कितना परचेज का कॉस्ट लगने वाला है, उस बेसिस पे पता चल जाएगा मुझे टोटल मटेरियल कॉस्ट कितना लगने वाला है, टोटल मटेरियल कॉस्ट कितना लगने वाला है। ए समझ गए एवरीबॉडी?
समझ रहे समझ रहे। सो यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर अपना एस्टिमेट देगा, परचेज मैनेजर अपना एस्टिमेट देगा। प्रोडक्शन मैनेजर बताएगा कि इतना यूनिट्स बनाने के लिए कितना क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल हम कंज्यूम करने वाले हैं। परचेज मैनेजर बताएगा इस रॉ मटेरियल के लिए परचेज कॉस्ट कितना होने वाला है। समझे क्या? एंड देन फिर बाद में आता है मेरा सेम वे में लेबर रिलेटेड कॉस्ट। तो लेबर रिलेटेड कॉस्ट में भी सेम बाइफर्केशन होगा, होगा एक मेरा लेबर मैनेजर और दूसरा होगा मेरा एचआर मैनेजर। लेबर मैनेजर डिसाइड करेगा कि कितने आवर्स लगने वाले हैं, एचआर मैनेजर डिसाइड करेगा कितना पैसा देना है। ये सारे लोग मिला के जब अपना अपना एक बजटेड एस्टिमेट दे देंगे ना मुकेश भाई को, तब जाके उनको मिलेगा बजटेड नेट प्रॉफिट। और वो बजटेड नेट प्रॉफिट वो कंपेयर करेंगे एक्चुअल नेट प्रॉफिट के साथ, एंड दैट बेसिकली लेडीज एंड जेंटलमैन इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। समझ में आई बात एवरीबॉडी? आर वी क्लियर एवरीबॉडी? सो यहां पे लेबरर के पास जाऊंगा मैं, लेबर रिलेटेड आर्स होंगे, यहां पे मैं जाऊंगा एचआर होगा, इधर वो रेट डिसाइड करेगा, इधर कितने आर्स लगने वाले वो बताएगा, फिर वेरिएबल ओवरहेड मैनेजर बताएगा कि कितना कॉस्ट लगने वाला है, फिर फिक्स्ड ओवरहेड मैनेजर बताएगा कि यहां पे कितना कॉस्ट लगने वाला है, एंड देन बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दिस वी विल कम टू नो व्हाट इज गोइंग टू बी माय नेट प्रॉफिट। कौन सा वाला पता है? स्टैंडर्ड नेट प्रॉफिट। जी हां, क्लियर एवरीवन? समझ में आ गया होने क्या वाला है? दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अब ये इस तरह से हम लोग ने हमारा बजटेड नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर बनाया था। अब हम लोग इस साल में, ध्यान से सुनो, अब हम लोग का जब ये शेयर होल्डर का मीटिंग होगा ना, उसके 10 दिन पहले वापस से मुकेश भाई एक्चुअल नेट प्रॉफिट का सब नंबर्स लेके बैठेंगे और वो नंबर्स के साथ वो एक एक मैनेजर को बुलाएंगे और उसको पूछते जाएंगे, भाई तूने क्या बोला था, क्या हुआ, तूने क्या बोला था, क्या हुआ, तूने क्या बोला था, क्या हुआ, एंड उस बेसिस पे मिलेगा मुझे एक्चुअल नेट प्रॉफिट। ये कंपेरिजन, दिस कंपेरिजन विल बी गिविंग टू द शेयर होल्डर्स, एंड उस बेसिस पे शेयर होल्डर को पता चलेगा दैट यस, इतना हमारा जो प्रॉफिट सोचा था और इतना हमारा प्रॉफिट आया है। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? प्लीज एक बार कंफर्म करेंगे आप लोग सब लोग? ओके, जयपात। चलो, डन एंड डस्टेड गाइस। आशीष, मेरे यहां पे नेट एकदम फ्री फ्लोइंग है, चेक इट एट योर एंड, मेरा नेट एकदम स्मूथ है। मस्का, चलो डन। सो अब एक विजुअलाइजेशन हो गया है मेरे दिमाग में दैट क्या होने वाला है, क्या होने वाला है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में मुकेश अंबानी एक एक चुन चुन के एक एक व्हाट यू कैन से डिपार्टमेंटल मैनेजर्स के साथ, ठीक है, एक एक डिपार्टमेंटल मैनेजर के साथ वो बैठेगा एंड ही विल डिसाइड That what is going to happen. Are we clear everyone?
बोलो बोलो, चल चल बोलो, समझ में आया? अरे ये तो बेस सेटर है यार, तो बेस सेटर है। हाँ अच्छा, तुम लोगों को पिक लेना है, बट पिक क्यों लेना है? मैं तो करवाने वाला हूं ना तुम लोग को, मैं लिख, ये तुम लोग को अपलोड करने वाला हूं ना मैं। ठीक है चल। सो अब करना क्या है, वो अपने को थोड़ा एक आइडिया आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट एस्पेक्ट के ऊपर, कि भाई कैसे ये कैलकुलेशंस किया जाएगा, कैसे ये कैलकुलेशंस किया जाएगा। अभी कुछ मत लिखो प्लीज, मैं आप लोगों को टाइम दूंगा लिखने का, अभी कुछ मत लिखो, अभी मेरे को फ्लो में जाने दो, अभी मेरे को फ्लो में जाने दो प्लीज। ठीक है सो अब आ रहा हूं मैं नेक्स्ट। अब ये सब चीज आपको समझ में आ गई, बट अब मेरे को कहना इससे कि ये चीज को और क्लैरिटी के साथ समझना पड़ेगा, ये चीज को और क्लैरिटी के साथ समझना पड़ेगा। सो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस इनटू अ नेक्स्ट लेवल। अब अपन लोग इसको एक नेक्स्ट लेवल पे समझने की कोशिश करेंगे। आइए, और इस चीज को समझने के लिए मैं लेने वाला हूं मेरा एक तकिया कलाम एग्जाम्पल, मैं ले रहा हूं एक तकिया कलाम एग्जाम्पल। अच्छा इधर तक किसी को कोई भी डाउट है क्या? इधर तक किसी को कोई भी डाउट है क्या भाई? मुझे जवाब दो। आई वेटिंग, एनी डाउट स्टिल हियर? कुछ होना है नहीं, ऐसा तो मैंने एक्सप्लेनेशन ही दिया है, बट फिर भी कब। अब आ रहे मेरे एक एग्जाम्पल के ऊपर। अब अपन लोग को एक प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है? कोई भी एक प्रोडक्ट बताओ ना मुझे, वो अपन लोग प्रोडक्ट साथ में बनाएंगे। और अब मुझे रोल प्ले करना है, रोल प्ले मतलब मुझे लोग चाहिए, तो मैं पूछूंगा कि कौन इंटरेस्टेड है ये बनने में वो बनने में, आप लोगों को जवाब देना है। उसके पहले मुझे जवाब दो, ऐसा कोई प्रोडक्ट जो अपन लोग मिलके बनाएंगे, बोलो बोलो बोलो, ऐसा कोई प्रोडक्ट जो अपन लोग मिलके बना सकते हैं। फोन? ओके okay. अरे कोई प्रोडक्ट बनाना है क्या? बनना नहीं है, अफीम, लाहौल। चंद्रयान? ते यार सॉफ्ट ड्रिंक, आइसक्रीम? अच्छा विस्की, वो क्या होता है? आई डोंट नो व्हाट इज विस्की। बीएमडब्ल्यू? अबे खुफिया बना सकते हैं। हाँ ये बात सही बोली तूने सौरभ। अथीरा वॉच, वॉच बना सकते हैं। चलो एक आइडिया है मेरे पास, ठीक है मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना क्यों ना क्यों ना, ओके ओके वेट आउट, क्यों ना मैं अपन लोग मिलके एक ऐसी वॉच बनाए, ठीक है एक मैजिक वॉच जिसको मैं बोलूंगा, जिसपे अपन लोग, अगर अपन लोग ये एग्जाम में पहन कर जाएंगे, दुनिया को लगेगा कि अपन लोग टाइम देख रहे हैं, बट उसके अंदर एनक्रिप्टेड फॉर्म में, जो अपने को ही खाली समझ में आएगा, सब थियोरी चैप्टर्स के आंसर्स लिखे हुए। क्या बोलते हो? ठीक है, ऐसा वॉच जो आप एग्जाम में पहनकर जाओगे, सबको लगेगा कि टाइम देख रहा है, बट उसके अंदर ऐसा कुछ आंसर्स डाल दूंगा मैं। क्या बोलता है पब्लिक, करें क्या वैसा कुछ? मैजिक वॉच नाम देंगे अपन उसको। बोलो बोलो क्या बोलते हो? सो सुनो सुनो। सो अब अपन लोग ले रहे हैं एक एग्जाम्पल, प्लीज गिव अस सच वॉचेस। ओ सो अब अपन लोग बना रहे हैं एक, से फॉर एग्जाम्पल अपने को चाहिए एक मैजिक वॉच। अब चीटिंग वॉच नहीं, मैजिक वॉच, मुस्का। वाह, एससीएमपी की नहीं, सारे सब्जेक्ट की सारी थियरी, ऑसम आइडिया। कब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं? चलो आओ आओ बनाते बनाते आओ आओ। अरे सब बच्चे सीए नहीं बनेंगे ना, टॉप सीक्रेट रखेंगे,
ओडिशा ही टॉप सीक्रेट रखेंगे अपन लोग ही अंदर अंदर। सुनो तो अब अपने को बनाना है मैजिक वॉच, एसके मैजिक वॉच, ठीक है। बट स्मार्ट वॉच इज नॉट अलाउड, इट विल नॉट बी अ स्मार्ट वॉच, इट विल बी लाइक अ नॉर्मल वॉच फॉर द होल वर्ल्ड, बट दिस इज वॉट द मैजिक विल बी, इट विल हैव इनक्रिप्टेड आंसर्स। क्या बोलते हो, सुपर आइडिया। ओके सो मैजिक वॉच अब आपको बनानी है, ठीक है। आप आ गए मेरे वॉच कंपनी में, से फॉर एग्जाम्पल मेरी एक दुकान है जिसका नाम है एस के वॉच कंपनी, मेरी एक दुकान है जिसका नाम है एस के वॉच कंपनी, एंड लास्ट 25 ईयर्स से हम लोग वॉच बना रहे हैं, लास्ट 25 ईयर्स से हम लोग वॉच बना रहे हैं। प्लीज मेरे साथ, हाउ दीज थॉट्स कम टू यू, सी वी हैव टू टीच यू नो, सो द बेस्ट वे टू टीच यू इज टू गिव कनेक्ट एग्जाम्पल्स विच यू विल रिमेंबर फॉर योर लाइफ। सो इतना एनक्रिप्शन यार, अरे एनक्रिप्शन कैसा रहेगा पता है क्या, वो फेस एनक्रिप्शन रहेगा, मतलब जैसे ही उसके ऊपर तेरा फेस आएगा ना, ऑटोमेटिकली तेरे को आंसर्स दिखेगा, जैसे ही तेरा फेस हटेगा और कोई और दिखेगा ना, उसको टाइम दिखेगा। कैसा लगा आइडिया सचिना, याद नहीं रखना है, सिर्फ तेरा फेस, जैसे ही फेस होता है ना आजकल, फेस देख के खुल जाता है अपना मोबाइल, तो फेस देख के एनक्रिप्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है। पब्लिक को लगेगा यार देखो कितना टाइम का वैल्यू करता है। तो सुनो, अभी ख्याली पुलाव, अबे भाई किसी ने कुछ सोचा होगा तब जाके इधर आज स्मार्टफोन पहुंचा है ना, आज से 25 साल पहले थोड़ी किसी ने कुछ सोचा था कि स्मार्टफोन जैसी चीज आएगी, आज है ना, तो सोचने में क्या जाता है यार। जेम्स बॉन्ड की मूवी फील आ रहा है, वाह। सो एस के वॉच कंपनी में अब हुआ क्या, यह आइडिया आया अपन, अब मेरे पास कोई, आप में से एक बंदा मेरे पास, आप लोग में से जो सबसे पहले मी दबाएगा वो मेरे पास आया। कौन है जो सबसे पहले मी दबाएगा, कौन है जो सबसे पहले मी दबाएगा, एंड इट इज वेरी साइक कुकरेजा। सो से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, अरे यार यहाँ के भी सिंधी आदमी आया है, सिंधी आदमी मारवाड़ी के पास, मतलब दो एकदम टॉप लेवल के बोलते हैं ना महामक्खी कंजूस लोग मिल गए हैं। अब कैसे प्राइसिंग करेंगे ये लोग दोनों, ओ माय गॉड, बोलो कौन ज्यादा सिंधी चिंदी है, आई मीन सिंधी चिंदी है या मारवाड़ी ज्यादा, दोनों एक दूसरे के मक्खी चूस है। नहीं, तो दोनों मिल गए हैं, आ जाओ देखते हैं, आ देखिए जरा किसमें कितना है, गम 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 नहीं दम, आओ। सो अब सिंधी भाई आ गए हमारे पास, और सिंधी भाई बोले कि वड़ी साई हमारे को एक वॉच चाहिए। मैंने बोला बोलो भाई, भाई जी कैसी वॉच चाहिए तुमको, हाँ कैसी वॉच चाहिए। सो सिंधी भाई हमारे को बोलते हैं कि ऐसी वॉच चाहिए, ओ संकल भाई, ऐसी वॉच चाहिए कि जो मैं देखूं, ठीक है, तो खाली मुझे आंसर्स दिखे, और से फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा के ओके राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल, तो जैसे ही मैंने ऐसा बोला राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल, वो इधर आंसर आ जाए और मैं ऐसे आंसर लिखते जाऊंगा, बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल इज इक्वल टू दिस दिस, लोगों को लगेगा मैं टाइम देख रहा हूं बट मैं आंसर लिख रहा हूं, मैं आंसर लिख रहा हूं। तो कैसा आइडिया लगा आपको, तो एसके वॉच वाला बोला बहुत अच्छा आइडिया है, तो हमारा सिंधी भाई बोला ठीक है आइडिया अच्छा है, क्या आप ये वॉच बना पाओगे क्या। मैंने बोला जी बिल्कुल बना सकते हैं, हम इस वॉच को, ये देखो तक्ष वाधवा आ गया और एक सिंधी भाई, मेरे मारवाड़ी भाइयों क्या बोलते हो, अपन ज्यादा ये लोग को अपन ये करेंगे भाई, माँ टेंशन मत लेना तुम लोग, मैं ज्यादा चिंदी हूं इनसे, हाँ ठीक है चलो आ जाओ इधर। सो हमारे सिंधी वड़ीसाई आ गए, और हमारे सिंधी वड़ीसाई आके बोलते हैं कि वॉच बनानी है, ऐसी वॉच मैजिक वॉच बना पाओगे क्या। मैंने बोला कि जरूर बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि कितना प्राइस होगा, कितना प्राइस होगा, ठीक है। तो मैंने बोला कि देखो कैसा है पता है क्या वड़ीसाई, एक्चुअली ये जो वॉच है ना, ये जो वॉच है वो वॉच बहुत यूनिक वॉच है, तो हम लोग ने ऐसा कोई वॉच बनाया नहीं है,
तो इसका पहले मुझे कॉस्ट निकालना पड़ेगा, फिर इसमें मैं मेरा प्रॉफिट ऐड करूंगा, तब जाके मुझे इसका प्राइस पता चलेगा। तो बड़ी साहब बोले तो मैं क्या करूं अभी, आप मुझे प्राइस कितनी देर में बताओगे? तो मैंने बोला कि बड़ी साहब आप टेंशन मत लो, मैं आपको 1 घंटे में बता दूंगा। आप ऐसा करो, बाहर ज्यादा मॉल है, जरा थोड़ा उधर घूम कर आओ, ठीक है? नीचे हमारे ऑफिस के नीचे लाउंज है, आपको तो पता ही है, तो जाओ थोड़ा लाउंज में जाओ, कुछ खा पी के आओ, और फिर तब तक मैं आपको प्राइस कैलकुलेट करके बताता हूं। बड़ी साई बोले नो प्रॉब्लम। सो यहाँ पे बड़ी साई ने अपने को ये आइडिया दिया है, और वो आइडिया देख के निकल गए, वो आइडिया देख के निकल गए, ठीक है? अब मैंने बोला कि भाई क्या मस्त आइडिया दिया है बंदे ने, क्यों ना अब इसको अपन लोग एग्जीक्यूट करके दिखाए। मेरे को बड़ी साई का फोन आया कि उन्होंने बोला कि देखो 1000 वॉचेस की जरूरत पड़ेगी। कितने? 1000 वॉचेस की जरूरत पड़ेगी। तो अपन ने बोल दिया ठीक है डन। अब मैं क्या गया, मैं गया फटाफट कॉस्ट शीट बनाने, अब कॉस्ट शीट बनाने गया तो मैं बोला कि भाई चलो सबका कॉस्ट निकालना चालू करते हैं। तो पहले मैंने बोला कि यार ये जो वॉच बनाना है, क्यों ना उसका पहले मैं मटेरियल कॉस्ट निकालू, क्यों ना इसका मैं पहले मटेरियल कॉस्ट निकालू। अरे हाँ कि ना? तो बोला कि सही है। अब आप मेरे को बताओ ये वॉच बनाना है, कौन सा वॉच? मैजिक वॉच बनाना है। ये मैजिक वॉच बनाने के लिए, ध्यान से सुनना, ये मैजिक वॉच बनाने के लिए मेरे को चाहिए रॉ मटेरियल। मेरे को कितना मैजिक वॉच बनाना है? 1000 मैजिक वॉच बनाना है। ये 1000 मैजिक वॉच बनाने के लिए मेरा सबसे पहला रिक्वायरमेंट है रॉ मटेरियल का, ठीक है? तो मैं सबसे पहले ये रॉ मटेरियल के लिए किसको कॉल करूंगा, अब तुम लोग को उसका जवाब देना है। लेट्स सी। सर इन्विजिलेटर पकड़ लेगा ऐसे बार बार देखोगे तो? अबे चारे कैसे पकड़ेगा, ऐसे कैसे पकड़ेगा? बोलेगा भाई हमारे को एक एक मिनट का वैल्यू है, कहां लिखा ऐसा कि मैं मेरे वॉच पे देखूं तो पकड़ सकते हो? चल चल, काय को पकड़ेगा वो, उतना तो अपन लोग प्रैक्टिस कर लेंगे यार, जो इतना बेनिफिट मिल रहा है तो। सबसे पहले ठीक है, सबसे पहले मैं किसके पास जाऊंगा? सबसे पहले मैं, पता है, ये रॉ मटेरियल मेरे को खरीदना पड़ेगा तभी तो बना पाऊंगा। रॉ मटेरियल खरीदने की जिम्मेदारी, रॉ मटेरियल कितना खरीदना है उसकी जिम्मेदारी होती है प्रोडक्शन मैनेजर की। आप मेरे को चाहिए, आप लोग में से सबसे पहले कोई एक प्रोडक्शन मैनेजर, आप लोग में से मी जो बोलेगा सबसे पहले वो बनेगा मेरा प्रोडक्शन मैनेजर। आपको लिखना है मी प्रोडक्शन मैनेजर, जो पहले लिखेगा मी प्रोडक्शन मैनेजर, बोलो बोलो, जो पहले लिखेगा मी प्रोडक्शन मैनेजर उसको मैं बनाऊंगा मेरा प्रोडक्शन मैनेजर। खाली मी से काम नहीं चलेगा, मी प्रोडक्शन मैनेजर जो पहले लिखेगा उसको बनाऊंगा। एंड मेरे पास सबसे पहले आया है मी प्रोडक्शन मैनेजर विद पवन कुमार द हवा का झोंका। So, पवन इज माई प्रोडक्शन मैनेजर। तो अब मैं इमीडिएटली पवन को फोन करूंगा, ठीक है? मैं पवन को फोन करूंगा और मैं पवन को फोन करके बोलूंगा, हेलो मैं कौन हूं? मैं मुकेश अंबानी हूं, मैं मुकेश अंबानी हूं, और मैंने मेरे प्रोडक्शन मैनेजर को फोन किया। हेलो सुन, हाँ हवा के झोंके पवन, सुन ना, ये एक मैजिक वॉच बनाने का, अपन बना पाएंगे क्या? तो वो प्रोडक्शन मैनेजर 25 साल से मेरे साथ है। जी हाँ, जो हमारा पवन सर है वो 25 साल से प्रोडक्शन मैनेजर है हमारे साथ। तो पवन जी ने बोला कि अरे सर बना देंगे, क्यों नहीं बनाएंगे सर, क्या बात कर रहे हो सर, अपन चंद्रयान भी बना सकते हैं, मैजिक वॉच क्या बात है। तो मैंने बोला कि ठीक है, तो मुझे बताओ जरा कि प्रोडक्ट ये जो मैजिक वॉच है उसको बनाने का कितना खर्चा होगा, तो बोला सर खर्चा तो मुझे नहीं पता, वो तो परचेज मैनेजर बनाएगा। अच्छा तो तू बता दे कितना क्वांटिटी रॉ मटेरियल यूज होगा ये मैजिक वॉच बनाने में, उतना तो तू बता देगा? तो उसने बोला हाँ सर।
तो इमीडिएटली मेरे को प्रोडक्शन मैनेजर ने बोला कि सर एक मैजिक वॉच बनाने के लिए 20 किलोज ऑफ रॉ मटेरियल लगेगा या 20 रॉ मटेरियल लगेगा। मैंने पूछा वापस श्योर है तू? तू एक बार तेरे हिसाब से कंफर्म कर ले, लगेगा थोड़ा सा ज्यादा भी लग रहा है तो बोल दे अभी से ही, कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए मुझे, तू सोच समझ के बोल क्योंकि मेरे को आगे सामने वाले को कॉस्ट बताना है, तो तू बता दे कितना होगा फाइनल। तो पवन ने बोला सर 100% श्योर सर, 25 साल से सर यही काम कर रहा हूं, ऐसे ही सर थोड़ी धूप में मैंने अपने बाल को सफेद किया है। तो सर मैजिक वॉच बनाने के लिए आप टेंशन मत लो, एक मैजिक वॉच बनाने के लिए सर 20 रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा। और हमारी बात कट गई, आर यू अंडरस्टैंडिंग? अरे ये भाई फ्यूचर जनरेशन का फोन है ये, तुम्हारे को पता नहीं है, सुनो अभी इधर। सो हाँ रिस्ट वॉच ही है, हाँ हाँ भावनाओं को समझो। सो यहां पे मेरे को मेरे प्रोडक्शन मैनेजर ने बोल दिया है कि सर एक मैजिक वॉच बनाने के लिए सर 20 किलोज ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम होने वाला है। और प्रोडक्शन मैनेजर बोला सर मैं खुद इसको बनाने वाला हूं सर, आप टेंशन मत लो। तो मैंने इमीडिएटली कैलकुलेशन कर लिया कि भाई अगर एक मैजिक वॉच बनाने के लिए उसको 20 रॉ मटेरियल लगेगा, अपने को सिंधी भाई ने क्या बोला है कितने मैजिक वॉच चाहिए उसको, 1000। अपने को सिंधी भाई ने क्या बोला कितने मैजिक वॉच चाहिए, 1000। तो कितना, 20,000 रॉ मटेरियल कंज्यूम होने वाला है बॉस, हाँ कि ना? सैलरी कितना है प्रोडक्शन मैनेजर का? उसका सैलरी है कुछ अराउंड 25 लाख रुपीज पर मंथ, 25 साल से है ना यार। बोल ज्वाइन करना चाहेगा? ओके सो वन मैजिक वॉच 150 रुपया देगा, वन मैजिक वॉच इज 20 रॉ मटेरियल, तो 1000 मैजिक वॉच के लिए, ए सुनो ना, 1000 मैजिक वॉच के लिए मुझे कितने रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी? मुझे मेरे प्रोडक्शन मैनेजर से ग्रीन सिग्नल आ गया है, इट इज गोइंग टू बी 20,000 रॉ मटेरियल्स, 20,000 रॉ मटेरियल्स। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? अरे बोलो बोलो, चल चल, ओके डन। अब इसके बाद मैं जाऊंगा मेरे परचेज मैनेजर के। आप में से कौन बनेगा परचेज मैनेजर? अरे मुझे देखने दो ना यार, तुम लोग चैट्स लिखते जा रहे हो, चैट ऊपर जा रहा है। कौन बना मेरा पहला परचेज मैनेजर, कौन बना है देखने दो मुझे। चलो लास्ट जिसका आ रहेगा उसको मैं बना दूंगा, लास्ट जिसने लिखा है ना उसको बना दूंगा मैं, कहानी में ट्विस्ट। एंड लास्ट जिसने लिखा है मी परचेज मैनेजर, इट इज मिस्टर, चल सौरभ शाणे, हरिओम, मिस्टर हरिओम, हरिओम जी, ठीक है। सो हरिओम जी इज माय परचेज मैनेजर। इमीडिएटली मैं हरिओम जी को कॉल करूंगा, हरिओम हरिओम जी आप सुनिए, मेरे को 20,000 रॉ मटेरियल खरीदना है। कौन सा 20,000 रॉ मटेरियल? तो उसको मैंने पूछा तो वो बोला कि क्वालिटी एक्स वाला जो है वो रॉ मटेरियल खरीदना है। अपने को पवन ने फोन पे बोला था भाई ये एक्स वाला रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा ये मैजिक वॉच बनाने के लिए, तो क्या भाव पड़ेगा भाई जी? तो हरिओम जी को अपन ने पूछा कि भाई 20,000 रॉ मटेरियल खरीदना है क्या भाव पड़ेगा? तो हमारे को हरिओम जी ने बोला सर एक रॉ मटेरियल एक्स खरीदने के लिए सर 10 रुपया जाएगा। मैं बोला श्योर हो आप? अब सोच समझ के बोलो, देखो अपने को कोई घाई नहीं है, बट आप जो है जवाब सही देना, मार्केट का पहले थोड़ा बोलते ना आइडिया ले लो और उस हिसाब से आप देखकर बताओ कितना जाएगा। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं आपको एक्सपीरियंस से थोड़ा बहुत कैलकुलेट करके बताता हूँ 5 मिनट में। 5 मिनट बाद वापस से फोन आया, ट्रिंग ट्रिंग, हरिओम, हाँ भाई हरिओम जी क्या
कॉस्ट लग रहा है। तो हरिओम जी ने बोला सर फाइनल है 12 रुपया, सर मैंने पूरा मार्केट का सर्वे कर लिया है और 12 रुपया कॉस्ट होने वाला है। अब अपने पास कैन आई से सारे नंबर्स आ गए हैं इमीडिएटली। अब आपको बताना है कि ये वॉच बनाने के लिए टोटल रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना आने वाला है। कैन एनीबडी टेल मी गाइस, मैं आप लोगों को पूछ रहा हूं ये बनाने के लिए, बोलो बोलो ये बनाने के लिए कितना कॉस्ट आने वाला है। टेल मी एवरीबॉडी, ये घड़ी बनाने के लिए कितना कॉस्ट आने वाला है। यस यस, सो कैन आई से सर 20,000 रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा। एक रॉ मटेरियल का है ₹12 पर रॉ मटेरियल, तो कैन आई से ₹2,40,000 इज गोइंग टू बी द 2,40,000 इज गोइंग टू बी द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इज गोइंग टू बी द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। स्मृति बोल रही है सर प्रोडक्शन मैनेजर भी लड़का, परचेज मैनेजर भी लड़का, आप ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हो हम लड़कियों के साथ। अरे तो जो एचआर मैनेजर्स है, एचआर वाले यूजुअली गर्ल्स होती है ना, तो एचआर मैनेजर्स की अभी मुझे जरूरत पड़ेगी, उसमें मैं गर्ल्स को लूंगा। ठीक है चल डन। ऑलराइट गाइस, तो पहला पॉइंट आ चुका है मेरा। लॉजिकली अपन जा रहे हैं एक एग्जांपल को कनेक्ट करते हुए। एग्जांपल में बड़ी साई आए मेरे पास जिन्होंने चाहिए था मैजिक वॉच 1,000 यूनिट्स, उसमें से मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट आ चुका है, उसमें से मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट पर यूनिट एंड क्वांटिटी कितना कंज्यूम होने वाला है दोनों चीज आ चुकी है, एंड दैट इज ₹2,40,000। एम आई क्लियर एवरीबॉडी, एम आई क्लियर एवरीबॉडी। यस सर। अब मैं जाऊंगा मेरे लेबर मैनेजर्स के पास और सबसे पहले मैं जाता हूं मेरे, अच्छा अभी गर्ल्स तुम लोगों को जवाब देना है, मी लेबर मैनेजर, देखते हैं कौन बनती है मेरी पहली लेबर मैनेजर। जो बोलेगी मी लेबर मैनेजर, एंड द फर्स्ट आंसर इज गिवन बाय हिमांशी, हिमांशी शर्मा इज माई लेबर मैनेजर, वेलकम अबोर्ड हिमांशी जी। तो हिमांशी जी को अब मैं कॉल करूंगा, मैं हूं मुकेश अंबानी, मैं कॉल कर रहा हूं हिमांशी जी को और हिमांशी जी को पूछ रहा हूं, ओ हिमांशी जी के आप मुझे बताएंगी, सुनिए आप लेबर मैनेजर है, आप मुझे बताएंगी कि एक मैजिक वॉच बनाने के लिए कितने आवर्स लगने वाले हैं। तो आप मुझे पूछ रहे हैं कि सर स्किल्ड है या अनस्किल्ड वर्कर्स, ओनली स्किल्ड वर्कर्स। मैजिक वॉच बनाना कोई आर्टिकल वाला काम नहीं है, इसके लिए हमारे को सीए जैसे स्किल्ड वर्कर्स चाहिए। ठीक है, तो आप मुझे स्किल्ड वर्कर्स बताइए, कितने एक मैजिक वॉच बनाने के लिए कितने स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है आप बताइए। ए वड़ी साई, तेरे को बोला था 1 घंटा घूम के आना, इतना जल्दी क्यों आ गया तू। हाँ, अरे पवन कभी भी याद रखना प्रोडक्शन मैनेजर एंड लेबर मैनेजर ऑलवेज वर्क हैंड इन हैंड, क्योंकि प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है और लेबर, प्रोडक्शन मैनेजर को कितना लेबरर्स चाहिए वो लेबरर मैनेजर के साथ ही कनेक्ट होके वो डिसाइड किया जाता है। यस हिमांशी जी, आप बताएंगी मुझे प्लीज, हिमांशी जी कहाँ गई। तो हिमांशी जी बताएंगी एक मैजिक वॉच बनाने के लिए कितने आवर्स लगने वाले हैं, दैट इज व्हाट यू हैव टू टेल मी। हिमांशी जी बताइए, वी आर वेटिंग। ये कहां गुम हो गई। आ गई आ गई आ गई आ गई। हिमांशी जी बोल रही है सर मैजिक वॉच कोई ऐसी वैसी काम तो है नहीं, सर एक मैजिक वॉच बनाने के लिए ना सर बहुत टाइम लगता है। तो मैंने हिमांशी जी को पूछा कितना टाइम लगता है, तू बता ना क्यों टेंशन ले रही है टाइम का। उसने मुझे बोला सर एक मैजिक वॉच के लिए 40 आवर्स लगता है, सर 40 आवर्स लगता है।
अब ये अंडरस्टैंडिंग गाइस। तो अब मैं उसको बोलूंगा कि भाई एक मैजिक वॉच के लिए अगर 40 आवर्स लगता है, तो अगर अपने को 1000 मैजिक वॉच बनानी है, 1000 मैजिक वॉच बनानी है, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, हाँ चार चार घंटा लगता है, 40 नहीं सॉरी गलत स्लिप ऑफ टंग हो गया, तो एक मैजिक वॉच बनाने के लिए 4 घंटा लगता है, तो अगर 1000 मैजिक वॉच बनानी है तो 4000 घंटे लगेंगे। चलो इसको थोड़ा राउंड ऑफ रखते हैं, 15 आवर्स लेते हैं इसको, तो अपने को हिमांशी जी बोलेगी सर एक मैजिक वॉच बनाने के लिए 1000 मैजिक वॉच बनाने के लिए 15000 घंटे लगेंगे। समझे क्या? ओके 15 घंटे यार, 15 घंटे लगेंगे, ठीक है 4 घंटे नहीं लगेंगे, 15 घंटे लगेंगे। पब्लिक बोलता है 4 घंटे में कैसे बनाओगे, लो भाई 15 घंटे ले लो। तो 1000 मैजिक वॉच बनाने के लिए इट इज गोइंग टू टेक अस 15,000 आवर्स। एंड अब मुझे चाहिए इन महिलाओं में से, इन खूबसूरत महिलाओं में से जो बोलेगी मुझे मी एचआर, वो बनेगी मेरी एचआर हेड। कौन है मेरी एचआर हेड देखते हैं, हिमांशी जी के साथ ताल से ताल मिलाएगी ये एचआर हेड। कौन है हिमांशी जी? तो हिमांशी जी लेबर मैनेजर को जो है वो बोलेगी ए एचआर मुझे 15,000 घंटे चाहिए ये वाले सीए के, मतलब स्किल्ड लेबरर के। तो एचआर वाली जाएगी मार्केट में और जो सबसे सस्ता और अच्छा सुंदर टिकाऊ लेबरर है उसको लेकर आएगी, बट वो रेट डिसाइड करेगी मेरी एचआर मैनेजर। देखते हैं कौन है, एंड दैट इज स्मृति उपाध्याय। ओह फाइनली स्मृति गेट्स अ चांस, अदरवाइज उसकी हाँ आत्मा भटक जाती थी, अभी नहीं देता तो चल नहीं। जो जिसने फर्स्ट आंसर दिया, स्मृति ने फर्स्ट आंसर दिया है, तो स्मृति को ही बनाएंगे हम एचआर मैनेजर। सो यहां पे मेरी एचआर मैनेजर डिसाइड करती है रेट, मेरी एचआर मैनेजर डिसाइड करती है क्या रेट होने वाला है। एंड क्या रेट होने वाला है बताओ जल्दी। तो स्मृति तेरे को बताना है एक घंटे का क्या भाव दिया, एक लेबर मैनेजर क्या भाव दिया एक घंटे का, हाँ एक घंटे का क्या भाव दिया एक घंटे का लेबर मैनेजर, क्या 150 रुपया, 150 रुपया देगी, ठीक है। तो स्मृति बोलती है एक घंटे का 150 पर आर, एक घंटे का 150 रुपया देगी, ठीक है ऐसी वो भी ऐसी है स्मृति, 150 रुपया देगी, 150 रुपया देगी। चलो सो एक घंटे का 150 रुपया, अपने पास टोटल 15,000 घंटे हैं, सो 1000 मैजिक वॉच बनाने के लिए 15,000 घंटे इंटू 150 रुपया पर आर, आप बताइए कितना हो जाएगा। इट विल बी रुपीज 22,50,000। इट विल बी रुपीज 22,50,000। सही है, ठीक है चलेगा, डन है, 150 रुपया देगा, डन। सो 22,50,000 रुपया तो लेबरर का कॉस्ट जा रहा है यार, कितना? सो यहां पे मैं लिख दूंगा, यहां पे मैं लिख दूंगा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, कितना कितना डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जाएगा मेरा। वेल इट विल बी गाइस प्लीज फटाफट बताओ मुझे, 15,000 घंटे इंटू रुपीज 150 पर आर, 22,50,000। और मैं क्या बोल रहा हूं इसको थोड़ा अपन चेंज कर देते हैं, 120 पर रॉ मटेरियल करते हैं यार, तो थोड़ा इज्जत तो रहेगा बेचारे रॉ मटेरियल का भी, 120 पर रॉ मटेरियल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 24,00,000 रुपया, 24,00,000 रुपया, कितना 24,00,000 रुपया। एंड देयरफॉर वी विल गेट टोटल कॉस्ट, देयरफॉर वी विल गेट टोटल कॉस्ट एंड दैट इज रुपीज 46,50,000।
समझे क्या? ठीक है, 46,50,000। और अब क्या होने वाला है पता है क्या? अब क्या होने वाला है? अब मेरा टोटल कॉस्ट आ चुका है, अज्यूम करो वेरिएबल ओवरहेड फिक्स्ड ओवरहेड कुछ भी नहीं है, खाली इतना ही है। अब इस पे मैं ऐड करता हूं मेरा प्रॉफिट मार्जिन। सपोज मेरा प्रॉफिट मार्जिन है 3,50,000 रुपया। सो मेरा टोटल सेल्स वैल्यू हो जाएगा, मेरा टोटल सेल्स वैल्यू हो जाएगा ₹50,00,000। ठीक है, 50 लाख डिवाइड बाय 1,000 मैजिक वॉचेस, तो 50 लाख डिवाइड बाय 1,000 कितना होता है? ₹5,000 पर वॉच, ₹5,000 पर वॉच। जैसे ही ये बड़ी साई आएगा, इसको मैं बोलूंगा कि बड़ी साई 5,000 एक वॉच का होगा, बोल चलेगा क्या? तो आया थोड़े टाइम बाद, बड़ी साई ने फोन किया, उसने बोला प्राइस निकल गया, मैंने बोला हाँ आ जाओ। तो बड़ी साई मेरे पास आ गया और बोलता है कि कितना हुआ? मैंने बोला 50 लाख रुपया फॉर 1,000 वॉचेस, एक वॉच का 5,000 रुपया। बड़ी साई ने हम अपने दिमाग में कैलकुलेशन किया कि 5,000 का वॉच है, अब इतना सुपर वॉच है कि अगर लोग खाली उसको देखेंगे तो आंसर मिल जाएगा, तो सीए स्टूडेंट तो आराम से उसका 10,000 रुपया दे देगा यार, बेचारा वीडियो लेक्चर के लिए इतना पैसा देता है, 10,000 रुपया तो ये वॉच के लिए दे ही देगा, है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं। तो बड़ी साई ने बोला सर डील पक्का, सर डील पक्का। और मैंने जैसे ही सुना डील पक्का, मैंने बोला कि 50% एडवांस, और 50% काम होने के बाद, 50% एडवांस, 50% काम होने के बाद, इमीडिएटली बड़ी साई ने अपने बैग में से टोटल 50 लाख में से, मैंने उसको बोला 50% एडवांस, 25 लाख का उसने चेक निकाला और मुझे दे दिया। और मैंने उसको बोला सर मुझे 1 महीने का टाइम दीजिए, जैसे ये 1,000 वॉच आपको डिलीवर हो जाएंगी तब आप मेरे को बाकी का पेमेंट कर देना। ठीक है, सो यहां पे वड़ी साई ने अपना चेक निकाला, ये रहा उसका चेक, और उसने मुझे ये 25 लाख का चेक दे दिया है। देख सकते हैं आप, 25 लाख का ये चेक दे दिया है, मेरे पास 25 लाख का चेक आ गया। मैंने इमीडिएटली ये 25 लाख का चेक डिपॉजिट कर दिया मेरे अकाउंट में और काम चालू 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 चालू। आर वी अंडरस्टैंडिंग? ये देखो आशीष बोल रहा है कि प्रॉफिट बहुत कम रखा है। अरे मेरा ऐसा ही है यार, वीडियो लेक्चर हो या मैजिक वॉच, प्रॉफिट मैं कम ही रखता हूं, पहले से अपनी आदत है। समझ रहे हो। चलो अरे चलो, नहीं नहीं चेक बाउंस नहीं होगा, सेक्शन 138 उसने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, अंडर निगोसिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, तो इसलिए वो चेक बाउंस नहीं होने देगा, समझे? बच्चे पूछ रहे वीडियो का प्रॉफिट मार्जिन क्या है, क्या बताऊं? चलो, सो बेसिकली अब दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क्स। अब देखना मैं कैसे यहां पे ये क्या, मैं कोई टाइम पास के लिए इतना बड़ा एग्जांपल नहीं बनाया, इसको मैं कनेक्ट करने वाला हूं आपके फॉर्मूला के साथ। देखना अभी क्या मजा आने वाला है, अभी एक्चुअल में मैजिक होने वाला है भाई, समझ लेना। और ये मैजिक मैं नहीं, आप लोग खुद फील करने वाले। आइए आइए, चलो। सो अब ये देखना, इतना 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 समझने में किसी को कोई डाउट? समझ रहे हो तुम लोग? ये रोल प्ले इसीलिए दे रहा हूं कि जिंदगी भर याद रहे। क्या हुआ, प्रोडक्शन मैनेजर के पास गए, मेरे को एक बात बताओ, प्रोडक्शन मैनेजर क्या डिसाइड करता है मुझे बताओ? बोलो, प्रोडक्शन मैनेजर क्या डिसाइड करता है? प्रोडक्शन मैनेजर क्या डिसाइड करता है कि कितना क्वांटिटी कंज्यूम होने वाला है, ठीक है? अच्छा, परचेज मैनेजर क्या डिसाइड करता है कि एक रॉ मटेरियल का कितना कॉस्ट लगने वाला है? आर यू अंडरस्टैंडिंग?
ठीक है। सो प्रोडक्शन मैनेजर एक्चुअली फैक्ट्री में फील्ड पे रहता है, जो डिसाइड करता है कितना कंजम्पशन होने वाला है, और परचेज मैनेजर डिसाइड करेगा कि कितना बाहर से चीज लाना है। अब सुनो, आज की बात थी आफ्टर वन मंथ। जैसे ही एक महीना कंप्लीट हुआ, वड़ी साई का फोन आया। हेलो वड़ी साई, चंगे जी, चंगा हो, चंगे, क्या बोलते हैं, चंगा ही ना, क्या बोलते हैं, तो मेरे बड़ा, हाँ हाँ, डाटो सुट्टो। सो उन्होंने मुझे पूछा, क्या मेरा वॉच रेडी है क्या? मैंने बोला, सर वॉच एकदम रेडी है। मैंने बोला, वॉच रेडी है क्या? मेरा रोकड़ा रेडी है क्या? वड़ी साई ने बोला, अरे सर रोकड़ा एकदम रेडी है। मैंने उनको 5000 वॉच डिलीवर कर दिया। ओ सिंधी भाई लोग बोलो, क्या बोलते हैं, चंगे को क्या बोलते हैं, अच्छे को क्या बोलते हैं, सुट्टो है। ओके, सो मैजिक वॉच मैंने वड़ी साई को डिलीवर कर दिया। वड़ी साई जबान के एकदम पक्के है, उन्होंने मुझे बैलेंस 25 लाख रुपया ट्रांसफर कर दिया इमीडिएटली, और हमारा गेम खत्म। वड़ी साई को 5000 मैजिक वॉच डिलीवर कर दिया है। मैजिक वॉच उन्होंने अपने अपने लोगों को 10,000 रुपए में बेचना चालू कर दिया है। जी हाँ, अगर आपको चाहिए ये मैजिक वॉच, देन इन दैट केस आप जा सकते हैं हमारे कुकरेजा भाई के पास, वो आपको दिला देंगे ये मैजिक वॉच। जी हाँ, ओ ठीक है। सो 25 लाख और 25 लाख, 50 लाख मेरे पास आ गए हैं। अब मैं कौन हूं? मैं हूं मुकेश अंबानी। मैंने बोला कि यार ये वड़ी साई 50 लाख रुपए दे तो दिया, जैसा मैंने इसको बोला था वो अपने कमिटमेंट के हिसाब से 50 लाख दे दिया, बट अरे 5000 तो उसका कॉस्ट पड़ा ना उसको, वड़ी साई को, मार्केट में तो वो 10,000 में बेचेगा ना। पवन भैया कैसन बातें करते हो, बराबर के नहीं? सो हाँ, 1000 वॉचेस, बराबर 1000 वॉचेस 50 लाख में उसको दे दिया, वो 10,000 पर वॉच में दे बेच रहा है। ठीक है, अब सुनो, अच्छा 5000 वॉचेस नहीं, 1000 वॉचेस, सॉरी 1000 वॉचेस एट कॉस्ट 5000 पर वॉच, 50 लाख इंटू 50% बैलेंस जो बाकी था वो उसने दिया, लेके निकल गया, बेचना चालू, बंदा मस्त प्रॉफिट कमा रहा है, मजे कर रहा है। अब सुनो अब मैं हूं मुकेश भाई। मैंने बोला कि यार बंदा 50 लाख दे दिया, प्रोडक्शन मैनेजर ने बना दिया, परचेज मैनेजर ने अपना काम कर दिया, जिसको जो जो काम दिया था उसने वो सारा काम कर दिया, बट मैंने इसमें सोचा था कि मैं इस पूरे ट्रांजैक्शन में, मैंने सोचा था इस पूरे ट्रांजैक्शन में 3,50,000 रुपीज कमाऊंगा, बट एक्चुअली मैंने कमाया कितना, आओ देखते हैं। एंड दिस इज वेयर द गेम ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बिगिंस, कंपेरिजन ऑफ स्टैंडर्ड बजट, कंपेरिजन ऑफ स्टैंडर्ड बजट विद एक्चुअल्स, कंपेरिजन ऑफ स्टैंडर्ड बजट विद एक्चुअल्स। और अगर यहां पे मैं स्टैंडर्ड बजट के साथ एक्चुअल्स को कंपेयर करता हूं, ठीक है, दैट इज व्हाट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज। अब मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि यहां पे मेरा स्टैंडर्ड बजट बन चुका है, यहां पे मेरा स्टैंडर्ड बजट बन चुका है। कहां पे मेरा स्टैंडर्ड बजट, ये रहा आप लोगों के सामने। अब मैं जाने वाला हूं कैलकुलेशन ऑफ माय एक्चुअल्स के साथ, आइए लेट द गेम बिगिन। ठीक है आ जाओ। अब एक्चुअल्स का कंपैरिजन करना है स्टैंडर्ड के साथ, ठीक है। सो अब मैंने सबसे पहले मैंने किसको फोन किया था, आप मुझे याद करवाओ, सबसे पहले किसको फोन किया था? करेक्ट,
पवन को। तो अब मैं इमीडिएटली पवन को वापस कॉल करूंगा, मैं बोलूंगा हाँ भाई प्रोडक्शन मैनेजर साहब आपने बहुत अच्छा काम किया है, मैजिक वॉच बन गया और मैजिक वॉच अपन ने डिलीवर कर दिया है कस्टमर को, कस्टमर इज वेरी हैप्पी, बट मेरे को थोड़ा कैलकुलेशंस करना है, मुझे देखना है कि कितना प्रॉफिट हुआ है, तो आप जरा मेरे केबिन में आएंगे क्या? तो अब पवन जी मेरे केबिन में आ रहे हैं, पवन जी जो मेरे प्रोडक्शन मैनेजर हैं वो मेरे केबिन में आ रहे हैं, वो मेरे केबिन में आ रहे हैं। ठीक है, अब मैंने प्रोडक्शन मैनेजर को क्या पूछा था एक महीने पहले, तो प्रोडक्शन मैनेजर को मैंने पूछा था स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना यूज करने वाला है, उसने बोला था सर एक मैजिक वॉच के लिए कितना बोला था वो, सर एक मैजिक वॉच के लिए सर 20 रॉ मटेरियल यूज होने वाला था, तो उस हिसाब से 1000 मैजिक वॉच के लिए तो 20,000 रॉ मटेरियल यूज होना चाहिए था ना, बराबर कि नहीं? तो पवन बोला हाँ सर। तो अब मुझे जरा बताना तो कितना एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम हुआ है, और पवन के हाथ थरथराने लगे, पवन के हाथ थरथराने लगे, उसने बोला सर सर मैंने आपको बोला था सर मैंने आपको बोला था 20,000 रॉ मटेरियल लगेगा, बट सर 22,000 रॉ मटेरियल लगा है। मैंने बोला क्या क्या क्या? उसने बोला हाँ सर थोड़ा ज्यादा कंज्यूम हो गया सर, ये जो सर ये वॉच था सर हाई लेवल का निकला। अरे तो तेरे को फोन पे मैंने बोला था ना हाई लेवल का वॉच है, मैजिक वॉच है। उसने बोला सर सॉरी सर। तो उसने बोला था कि 20 रॉ मटेरियल कंज्यूम करेगा, बट एक्चुअल में उसने कंजम्पशन कितना किया है, इट इज 22,000 रॉ मटेरियल। ओह गॉश, मेरा तो जो दिमाग हटा है मैंने उसको सुना दिया। मैं बोला तू यार 25 साल से क्या कर रहा है यार, तुम लोग साले आर्टिकल क्लर्क लोग है ना, आर्टिकल क्लर्क ही रहोगे यार, छोड़ो काम ही नहीं करवाना चाहिए था, नुकसान हो गया मेरे को इधर यार। अरे क्या ये यार, तेरे को बोला था ना मैं सोच समझ के बोल, तू क्यों किया ऐसा? अरे सर हो गया गलती, अभी क्या करूं, आर्टिकल कहीं के छोड़, क्या बोलूं अभी मैं तेरे को यार, नुकसान तो मेरा हुआ ना यार, और नहीं तो क्या यार। अरे ढंग से काम होता नहीं है, बस इधर इनको चैटे चैटी करनी है। अरे काम करो ना यार, ध्यान दो ना यार, बराबर रॉ मटेरियल बोला तो आज सही हो गया होता, लेकिन नहीं इनको तो भाई चैटिंग में ज्यादा मजे आ रहे हैं, इनको बस फोन पे था पूरा टाइम जब प्रोडक्शन करना था, तो यही होगा ना, नॉनसेंस। आओ सो अब मैंने इस बंदे को बहुत झाड़ा, मैंने बोला कि यार ये क्या तरीका हुआ पवन, और ने बोला अब ठीक है क्या करूं मैं बोला सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी, ठीक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इसीलिए बनाया। अब मैं बोला कि ये प्रोडक्शन मैनेजर ने तो मुझे हार्ट अटैक दे दिया है, अब मैं बुलाऊंगा परचेज मैनेजर को। कौन था मेरा परचेज मैनेजर? हरिओम। परचेज मैनेजर को बुलाया मैंने, परचेज मैनेजर को बुलाया, परचेज मैनेजर को मैंने बोला कि भाई तू क्या बोला था एक रॉ मटेरियल का कितना कॉस्ट लगेगा? सर 12 रुपया एक का बोला था मैंने। कितना बोला था? 12 रुपया। अच्छा अमेजिंग, तूने बोला था 12 रुपया, बट एक्चुअल में कितना लगा? तो ये भाई साहब तो और गए गुजरे, ये बोलता है सर एक रॉ मटेरियल का सर 13 रुपीज लगा है मेरे को। मैंने बोला क्या 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 यार, ये आर्टिकल लोग को काम देना मतलब गया मैं तो बोल रहा है कि सर 13 रुपए में खरीद के आया। बोला अबे क्या कर रहा है, 120 रुपए बोला था, 130 रुपए में खरीद के लेकर आया, 130 रुपए में खरीद के लेकर आया ये। बोला अबे क्या करते हो यार तुम लोग, हा ध्यान कहां था तेरा? आई एम श्योर लेबर मैनेजर्स में देखो वो लोग ने बहुत अच्छा काम किया होगा, आई एम श्योर लेबर मैनेजर्स ने उसमें बोला रहेगा ना कि एक यूनिट बनाने को 40 घंटा लगने वाला है, हिमांशी ने 15 घंटे लगने वाला है, आई एम श्योर वो देखना 12 घंटे में वो कर आएगी। जब मैं लेबर पे आऊंगा तब तुम लोग देखना, देख लेना तुम लोग। बट अभी ये परचेज मैनेजर और जो मेरा ये प्रोडक्शन मैनेजर है, इन लोग की तो, ये लोग को तो है ना सीधा, मैंने मेरे हाथ में ये था
क्या किया तूने? सर 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 सैलरी में से काट दूंगा, तुम्हारी सैलरी में से काट दूंगा। अब अपने को कैलकुलेट करके बताना है मुकेश भाई को कि मटेरियल की वजह से कितना नुकसान हुआ है। मुझे मेरे लेबर मैनेजर्स पे पूरा भरोसा है, हिमांशी और स्मृति पे। ये पवन और हरिओम भाई मुझे पहले से ही शक था ये लोग। चलो सो अब का कितना कॉस्ट लग गया है डायरेक्ट मटेरियल का, कितना कॉस्ट लग गया है? तो सर हम लोग ने, अच्छा, अभी 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 सुनो ना, क्यों ना अब अपन लोग निकालने के लिए चालू करें क्या वेरिएंस लगाए। सो कैन आई से हम लोगों को लगा था कि टोटल 20,000 रॉ मटेरियल यूज होगा और एक रॉ मटेरियल का 120 रॉ मटेरियल पर 120 पर रॉ मटेरियल लगेगा। तो कैन आई से टोटल 24 लाख रुपया लगेगा, टोटल 24 लाख रुपया लगेगा। पर हुआ क्या बोलो? ये तो बजट हम लोग ने सोचा था, एक्चुअल में हुआ क्या? 22,000 रॉ मटेरियल कंज्यूम कर लिया एट द रेट 130 पर रॉ मटेरियल। कितना कॉस्ट लग गया 28,60,000 का तो मेरा डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट लग गया। 28,60,000 का तो मेरा कॉस्ट लग गया, रस्ते लग गए मेरे तो। कोई बात नहीं, मैं तो ये लोग के सैलरी में से काटने वाला हूं, मैंने कुछ बैर देना। क्या तुम लोग को समझ में आया कि यहाँ पे हंसते खेलते तुम लोग ने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएंस विच इज कॉल्ड एज अ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट कर लिया एंड विच इज एडवर्स। एडवर्स मतलब कहना इसे अनफेवरेबल है, जो सोचा था खर्चा उससे ज्यादा खर्चा हुआ है एंड मेरा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ गया है विच इज माई फर्स्ट फॉर्मूला एंड वो अपन लोग ने हंसते खेलते डिराइव किया है। मटेरियल कॉस्ट में क्या वेरिएंस आ रहा है, वेरिएंस मतलब कितना डिविएशन। तो अपन ने देखा यहाँ पे कि भाई हमारे को लगा था कि 20,000 रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा एट द रेट 120 पर रॉ मटेरियल, तो हमारे को लगा था 24 लाख का खर्चा होगा बस, बट एक्चुअल में तो 20,000 रॉ मटेरियल कंज्यूम हो गया है एट द रेट 130 पर रॉ मटेरियल। इन शॉर्ट 28,60,000 का कॉस्ट लग गया है। अगर मैं तुम्हारे को बोलूं प्लीज तुम लोग इसका फॉर्मूला बनाओ, तो क्या तुम लोग बना लोगे? क्या अब तुम लोग इसका फॉर्मूला बना पाओगे? तो अगर मैं बोलता हूं भाई मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या आया, इट इज 24 लाख माइनस 28,60,000। कितना होता है 24 लाख माइनस 28,60,000? कितना होता है? बोलो कितना होता है? 4,60,000। बट हुआ क्या यहाँ पे, कैन आई से मैंने स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट को कंपेयर किया एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट से। स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट कैसे निकला? स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट निकला बेस्ड ऑन दिस। क्या? इट इज स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट is based on, standard material cost is based on 20,000 raw material. What is this 20,000 raw material? Bolo, tell. Can I say it is standard quantity into standard rate per quantity minus, यहाँ पे क्या हुआ है, it is actual quantity into actual rate per quantity. क्या अभी अगर आपको कोई अचानक से बोलेगा कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला डिराइव करके बताओ, तो क्या आप कर पाओगे उसको? और दूसरी बात, क्या आज के बाद आप इस फॉर्मूला को कभी भी भूलोगे क्या? द आंसर इज नो। एंड लेट मी टेल यू, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला मैं इतना स्ट्रांगली तुम लोग को डिराइव करके दूंगा कि ऑटोमेटिकली अपने आने वाले फॉर्मूलाज इसके बेस पे इजिली डिराइव हो जाएंगे, देख लेना तुम लोग। अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस? यस और नो?
फिर तुम्हारा जो SQ इंटू SR माइनस AQ इंटू AR वो सब जो तुम बचपन में करते थे वो ठीक है, बट क्या यहाँ पे मैंने लॉजिकली किया है? मीति पूछ रही है स्टैंडर्ड एंड बजट में क्या फर्क है? फॉर नाउ नथिंग, जब तक मैं नहीं बोलता हूं कोई फर्क नहीं है, ठीक है? वक्त आने पे आपको बताऊंगा मैं क्या फर्क है, बट अभी एवरीथिंग इज सेम, डोंट कॉम्प्लिकेट योर सेल्फ, एवरीथिंग इज सेम, बजट स्टैंडर्ड सब सेम है। पवन बोल रहे हैं अच्छा पढ़ाते सर आप, काफी अचानक तुझे लगा ऐसा। अच्छा बाय द वे मेरा CA इंटर का बैच चालू होने वाला है, CA इंटर में स्टैंडर्ड बजटरी मार्जिनल ये सब है, तो आपके कोई जूनियर्स या कलीग्स होंगे तो उनको जरूर रिफर कीजिएगा, उनका बेस हम अच्छा बना देंगे ताकि फाइनल में उनको तकलीफ ना आए। प्राइस इन मटेरियल एंड लेयर रेट इन लेबर एंड ओवरहेड, अरे छोड़ना अभी, खाली मटेरियल पे फोकस करो। देखो बनी, अपने प्रेजेंट में जियो बनी, फ्यूचर में क्या होने वाला है और पास्ट में क्या हो चुका है उसका कुछ लेना देना नहीं है, प्रेजेंट में जियो। क्या आपको ये समझ में आया? फिर लेबर में क्या करना है वो तुम्हारा भाई बताएगा, मत टेंशन लो उसका। थैंक यू गुप्ता जी, हमारे बहुत ही सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रेंचाइजीज के जो ओनर है सुनीत गुप्ता जी आज यहाँ पे मौजूद है, रॉयल कॉमर्स क्लासेस। नमस्ते सर, आपका स्वागत है। तुम लोग को बोला ना रिफरल दूंगा यार, क्या तुम लोग छोटा बात करते हो। प्रेजेंट में जीने के लिए पैफा चाहिए, अरे 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 अरे, चल सो आर वी क्लियर एवरीबॉडी? सो स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट मेरा आ गया है। अब सुनो 2 मिनट सुनो ना, 2 मिनट और सुनो। अब यहां पे मटेरियल कॉस्ट वैरियंस, अच्छा हुआ मेरे साथ या बुरा हुआ बोलो, अच्छा हुआ मेरे साथ या बुरा हुआ, मेरे साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ? बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, शख्स यार शख्स। सो कैन आई से 4,60,000 एडवर्स हुआ है, एडवर्स हुआ है, बराबर है? अब मैं हूं मारवाड़ी आदमी, ठीक है, एक तो खून में ही मेरे, मतलब खून में ही मैं कंजूस हूं, मेरे खून में ही लिखा है तू कंजूस है, और ऊपर से मुझे नुकसान हुआ है धंधे में। आपको लगता है जिसकी वजह से नुकसान हुआ है उसको मैं छोड़ूंगा? आपको लगता है छोड़ूंगा मैं उसको? बोलो बोलो उसको, आपको लगता है पीसो की बात है, पीसा पीसा मैंने बहुत बहुत प्यारा है, मैंने इन्होंने मेरे पीसे का नुकसान कराया है, क्या मैं इनको छोड़ूंगा? द आंसर इज नो। अब उनको मैं बुलाऊंगा, आ जा बेटा, अब आ जा तू। अब इस 4,60,000 को एनालाइज करने का टाइम आ गया है। ये 4,60,000, ये 4,60,000 किसकी वजह से हुआ है? मुझे उन दो लोगों का नाम चाहिए, आई मीन उनका नाम मतलब वो ऐसा, अब हरिओम और पवन मत देना, वो क्या क्या उनका डेजिग्नेशन था, उनका डेजिग्नेशन चाहिए किन दो लोगों की वजह से ये नुकसान हुआ है। अगर बॉलीवुड स्टाइल में बोलू तो चुन चुन के बदला लूंगा उन दोनों से। हाँ, करेक्ट। कैन आई से एक था मेरा प्रोडक्शन मैनेजर और दूसरा था मेरा परचेज मैनेजर, एक था मेरा प्रोडक्शन मैनेजर और दूसरा था मेरा परचेज मैनेजर, ठीक है? अब प्रोडक्शन मैनेजर को मैं बोलूंगा आजा, प्रोडक्शन मैनेजर को अब मैं सूटने वाला हूं, सूटना समझते हो तुम लोग? पवन समझता है सूटना, गुड। अब प्रोडक्शन मैनेजर को मैं सूटने वाला हूं, प्रोडक्शन मैनेजर को मैं बोलूंगा हाँ पवन भैया कहाँ करते रही, पवन भैया हमारे बिहार से हैं, तो पवन जी को अपन बोलेंगे पवन जी आप क्या बोले थे, कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम करेंगे? हाँ सबसे पहले प्रोडक्शन मैनेजर किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रोडक्शन मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रॉ मटेरियल क्वांटिटी कंजम्पशन, रॉ मटेरियल क्वांटिटी, रॉ मटेरियल क्वांटिटी, रॉ मटेरियल कंजम्पशन, ठीक है? सो प्रोडक्शन मैनेजर
रॉ मटेरियल कंजम्पशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस रॉ मटेरियल कंजम्पशन के लिए मैं जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसको बोलूंगा, भाई तू क्या बोला था कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम करेगा? वो बोलेगा सर मैं बोला था 20,000 रॉ मटेरियल मैं कंज्यूम करूंगा। अच्छा कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया है? सर 22,000 रॉ मटेरियल कंज्यूम किया है। हाँ अब जबान नहीं खुल रही उसकी, ठीक है 22,000 रॉ मटेरियल कंज्यूम किया है, ठीक है ठीक है। मतलब कहना इससे 2,000 रॉ मटेरियल एक्स्ट्रा कंज्यूम किया है। कहना इससे इस लेवल पे मुझे पता चल गया कि चीजें मेरे साथ एडवर्स होने वाली है। अब ये 4,60,000 का मुझे नुकसान हुआ है, पर ये नुकसान के लिए दो लोग रिस्पॉन्सिबल है। और इनको मैंने बोला था जब ये लोग स्टैंडर्ड सेट कर रहे थे कि तुम लोग सोच समझ के स्टैंडर्ड सेट करो, चाहिए तो थोड़ा बोल दो सोच समझ के। उसने बोल दिया था हाँ सर फुल। फिर मैंने इमीडिएटली कॉल किया मेरे परचेज मैनेजर को, उसको मैंने बोला कि भाई तू किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो वो रिस्पॉन्सिबल है रॉ मटेरियल प्राइसिंग के लिए। तू रिस्पॉन्सिबल है रॉ मटेरियल प्राइसिंग के लिए। क्या बोला था तू, कितना रॉ मटेरियल का प्राइस होगा? सर 120 पर रॉ मटेरियल। अच्छा कितना कितना हुआ है? सर 130 पर रॉ मटेरियल हुआ है। अच्छा तो कहना इसे 10 पर रॉ मटेरियल तूने ज्यादा दिया है? हाँ सर ज्यादा दिया है। इमीडिएटली इधर ही मुझे पता चल गया इसका भी एडवर्स है। तुम लोग एक बात समझ रहे हो, लोगों का आदत होता है प्लस माइनस से फाइंड आउट करते हैं वो लोग कि माइनस आया तो एडवर्स, प्लस आया तो फेवरेबल। प्लीज मेरी हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है, ये प्लस माइनस का सिस्टम यहाँ पे मत यूज करना, लॉजिक से करना। लॉजिकली जितना कंज्यूम होना चाहिए था उससे ज्यादा कंज्यूम हुआ है, इट इज रिजल्टिंग इनटू अ हायर कॉस्ट एडवर्स। जितना सोचा था उससे ज्यादा रॉ मटेरियल का पे किया है, इट इज रिजल्टिंग इनटू अ हायर कॉस्ट एडवर्स। एंड यही अगर 20,000 की जगह 19,000 हुआ होता फेवरेबल, यही अगर 120 की जगह 105 पर रॉ मटेरियल हुआ होता फेवरेबल। अभी अंडरस्टैंडिंग, प्लीज ये प्लस माइनस के सिस्टम से अपने आप को बोल दो टाटा बाय बाय प्लीज, ठीक है। कुंजन भाई हमारे और एक होनहार टॉप एकदम यू कैन से फ्रेंचाइजी पार्टनर कुंजन भाई कैमचोक। सो हमारे दो दिग्गज प्लेयर्स हैं यहाँ पे, कुंजन चोटाई, सुनीत गुप्ता, रॉयल कॉमर्स क्लासेस, सक्सेस एकेडमी, वन फ्रॉम राजकोट वन फ्रॉम कानपुर। आपको लाइफ में फ्यूचर में कभी कोई भी वीडियो लेक्चर्स लेने हो और आपको एकदम टॉप लेवल क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड टॉप लेवल डिस्काउंट चाहिए हो, आप इन दोनों को कॉन्टेक्ट कीजिए, आपकी लाइफ बन जाएगी, बता रहा हूं मैं, ठीक है। चलो अब यहां पर मुझे बताओ, अगर आपको यहां पर फेवरेबल या एडवर्स डिसाइड करना है, this favorable or adverse is going to be decided logically. This is going to be decided logically. Are we understanding, guys? Thank you so much, Saurabh. अब last part के ऊपर है अपन लोग। सुनो, अभी तक मैंने कोई formula use किया क्या? नहीं, मुझे तो पता भी नहीं है इसको क्या नाम देंगे। अब अपन तो लॉजिकली गए कि भाई मेरा 4,60,000 का नुकसान हुआ प्रोडक्शन मैनेजर की वजह से। प्रोडक्शन मैनेजर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? रॉ मटेरियल क्वांटिटी कंजम्पशन पे। तब जाके इसको नाम दिया गया मटेरियल कंजम्पशन वेरिएंस। इसका एक्चुअल नाम था मटेरियल कंजम्पशन वेरिएंस, बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये कंजम्पशन ना वर्ड यूज होके इसको नाम दिया गया मटेरियल यूजेज वेरिएंस। दिस इज हाउ द नेम ऑफ दिस वेरिएंस वाज डिराइव्ड। तुम लोग को फॉर्मूला डिराइव करना तो सिखाऊंगा ही, वो तो अपना फोर्टे है ही। मैं तुम लोग को ये भी बता रहा हूं नाम कैसे डिराइव हुआ था। दिस इज हाउ इट वॉज एक्चुअली डिराइव्ड। परचेज मैनेजर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? प्राइसिंग के लिए। दिस इज हाउ द नेम This is how the name material price variance was discovered. This is how the name material price variance was discovered. Yes, yes, yes. Are we understanding? Are we understanding, guys? समझ रहे हो। सो दिस इज हाउ द फॉर्मूलाज वर डिराइव कि भाई कितना कंजम्पशन उसको करना चाहिए था, कितना कंजम्पशन किया है, तब पता चलता है कि कितना यूजेज होना चाहिए था कितना, एंड प्राइसिंग में कितना प्राइस होना चाहिए था कितना प्राइस आया है। एंड दैट इज हाउ यू डिसाइड द मटेरियल प्राइस वेरिएंस। आर वी क्लियर एवरीबॉडी?
अरे बोलो बोलो, चल चल, अब लास्ट एस्पेक्ट पे है। अभी सुनो, अब ये प्रोडक्शन मैनेजर बोल रहा है कि ठीक है सर, जो भी है मेरी सैलरी से काट लो सर, मेरे से गलती हुई है। अब उसकी सैलरी से कितना काटू? 2,000 रुपया, 2,000 रॉ मटेरियल ज्यादा लेकर आए। सैलरी तो रॉ मटेरियल में नहीं कटेगी, सैलरी तो रुपीज में कटेगी। सेम चीज मुझे हरिओम बोल रहा है, हरिओम भी बोल रहा है। अब हरिओम भी बोल रहा है कि सर ठीक है सर, मेरे से गलती हुई है, 10 रुपया मैंने ज्यादा लिया है, आप मेरी सैलरी से काटो। अब एक रॉ मटेरियल पे 10 रुपया उसने ज्यादा दिया है, तो उसके भी सैलरी से तो कटना बनता है। कितना काटू मैं दोनों की सैलरी से, वॉज द क्वेश्चन दैट वॉज गोइंग ऑन। तो यहां पे रॉ मटेरियल वाले के लिए तो बहुत क्लियर है कि भाई तू जो 10 रुपया ज्यादा देकर आया है, वो 22,000 रॉ मटेरियल के लिए ज्यादा देकर आया है। तो इसका मतलब तेरी वजह से 2,20,000 रुपए मेरे ज्यादा गए हैं। तो ये 460 में से 2,20,000 तू देगा और बचा हुआ 2,40,000 देगा प्रोडक्शन मैनेजर। एंड प्रोडक्शन मैनेजर को अपन लोग बोलेंगे, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द, भाई 2,000 रॉ मटेरियल तो ज्यादा रहा है, एक रॉ मटेरियल का 120 पर रॉ मटेरियल लगेगा। अब इमीडिएटली आपको दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर सर ये 2,000 रॉ मटेरियल ज्यादा लाया है, इनटू 130 आना चाहिए मार्केट प्राइस। नाउ दिस इज वेयर द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक्सपर्ट से दैट प्रोडक्शन मैनेजर इज विद इन द फैक्ट्री एंड उसको नहीं पता है बाहर क्या चल रहा है। उसको स्टार्टिंग से ही पता था कि एक यूनिट के लिए, एक रॉ मटेरियल के लिए 120 रुपया लगने वाला है, और उसने जो 2,000 रॉ मटेरियल ज्यादा कंज्यूम किया है वो बोलेगा कि मुझे बाहर का प्राइस को पता भी नहीं है, ना मुझे बाहर के प्राइस से कोई लेना देना है। आई विल बी चार्ज बेस्ड ऑन विद इन द फैक्ट्री कॉस्ट एंड दैट बेसिकली इज 120 पर रॉ मटेरियल। एंड परचेज मैनेजर बाहर जाता है, परचेज मैनेजर एक्चुअल में बाहर जाता है, परचेज मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग द एक्चुअल क्वांटिटी, ही विल ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्चुअल्स, ही विल ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्चुअल्स। आर वी अंडरस्टैंडिंग? एंड दिस इज वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस वॉज डिवाइडेड इंटू मटीरियल यूजेज वेरिएंस एंड मटीरियल प्राइस वेरिएंस, या इसको प्यार से मटेरियल रेट वेरिएंस भी बोलते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये जो मटेरियल यूजेज वेरिएंस है ना, ये जो मटेरियल यूजेज वेरिएंस है ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर इज ऑलवेज विद इन द फैक्ट्री, प्रोडक्शन मैनेजर इज ऑलवेज विद इन द फैक्ट्री। बिकॉज ही इज विद इन द फैक्ट्री, ही इज ओनली कंसर्न विद द स्टैंडर्ड, ही इज ऑलवेज कंसर्न विद द स्टैंडर्ड रेट्स, ही इज ऑलवेज कंसर्न विद द स्टैंडर्ड। तो इसके लिए इसको बोला, भाई तूने स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना बोला था, तू एक्चुअल क्वांटिटी कितना लाया है, जितना भी डिविएशन है वी विल डिवाइड इट टू यू विद द स्टैंडर्ड रेट बिकॉज यू आर विद इन द फैक्ट्री। और उसको बाहर के प्राइसेस से, बाहर की चीजों से कोई लेना देना नहीं है। एंड जो मेरा मटेरियल प्राइस वेरिएंस है, दैट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल आउटसाइड द फैक्ट्री। एंड उसके लिए वो बोलता है ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्चुअल क्वांटिटी। यहां पे उल्टा भी होगा, जब वो कम कंज्यूम करेगा तो भी स्टैंडर्ड रेट से ही उसको अपन लोग, यू नो, वी आर गोइंग टू जज हिम। यहां पे अपन बोलेंगे स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ए समझिए, आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? अब डाउट्स आ सकते हैं, सर क्यों स्टैंडर्ड रेट, उसने ज्यादा कंज्यूम किया। स्टैंडर्ड रेट इसीलिए बिकॉज जब मटेरियल यूजेज वर, अभी क्या होगा, मैंने केबिन में बुलाया प्रोडक्शन मैनेजर को, उसके बाद मैं परचेज मैनेजर को भी साथ में बुलाता हूं। परचेज मैनेजर ने एक रेट कमिट कर दिया है विच इज नोन टू द प्रोडक्शन मैनेजर, ठीक है, अग्रीड के। पर प्रोडक्शन मैनेजर ने भी एक क्वांटिटी कंज्यूम जो करने वाला है उसका एक एक क्वांटिटी सेट कर दिया है, बट विद रियलिटीज प्रोडक्शन मैनेजर इज विद इन द फैक्ट्री, परचेज मैनेजर गोज आउटसाइड द फैक्ट्री टू कंज्यूम इट। सो ही विल ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्चुअलिटीज, प्रोडक्शन मैनेजर विल ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टैंडर्ड। सो दैट्स हाउ द सिस्टम वर्क्स। नहीं प्रिया, 22,000 इसके लिए, ही विल ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल
फॉर द एक्चुअल क्वांटिटीज, क्योंकि जितना मेरा एक्चुअल क्वांटिटी मैं लेकर आया हूं ना, हर क्वांटिटी पे मुझे 10 रुपया ज्यादा पे करना पड़ा है रेट वाले की वजह से। बच्चा बच्चा बोलो बोलो, टेल टेल। सो दिस इज वेयर मेरा फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला रेडी होता है, जो मैं लॉजिकली डिराइव करूंगा। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या था? 24 लाख रुपया, जो मुझे आया था कैसे? स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट। पर ये स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट कैसे आया था? क्योंकि मैंने पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाला, मैंने पहले स्टैंडर्ड रेट निकाला, माइनस किया मैंने क्या? एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। कैसे आया ये? कितना एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम किया, कितना एक्चुअल रेट लगा। फिर यहां पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी और इसके लिए कौन लोग रिस्पॉन्सिबल है? सो दो लोग रिस्पॉन्सिबल है, मटेरियल यूजेज वेरिएंस जो मेरा प्रोडक्शन मैनेजर है, मटेरियल रेट वेरिएंस जो मेरा परचेज मैनेजर है। यहां पे यूजेज वाले को मैं बोलूंगा, भाई स्टैंडर्ड क्वांटिटी तुझे 20,000 कंज्यूम करना चाहिए था, तूने एक्चुअल में 22,000 कंज्यूम किया, बिकॉज यू आर विद इन द फैक्ट्री स्टैंडर्ड रेट। एंड यहां पे स्टैंडर्ड रेट तूने जो बोला था उससे ज्यादा मैं लेकर आया, जितना भी कंजम्पशन हुआ है, एक्स्ट्रा कंजम्पशन भी जो भी हुआ है उसके लिए मेरा एक्स्ट्रा कॉस्ट गया है, वो बेयर करना पड़ेगा। एंड इसी के साथ बनता है मेरा फर्स्ट चार्ट, लॉजिकली मेड, ऑफ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आपको ये समझ में आ गया तो समझ लो आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ गया ना, 2 मिनट में लेबर भी आ जाएगा, 2 मिनट में सेल्स रिलेटेड सारे वेरिएंसेस भी आ जाएंगे, बता रहा हूं। चलो प्लीज प्लीज प्लीज। गुड क्वेश्चन बाय प्रिया। सर प्रोडक्शन मैनेजर ने ज्यादा कंज्यूम किया, उसमें बेचारे परचेज मैनेजर का क्या गलती? उसको क्यों ज्यादा वो लेना पड़ेगा? सो वो चीज पहले से ही सेट की जाती है, दैट द प्रोडक्शन मैनेजर बिकॉज ही इज विद इन द फैक्ट्री विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टैंडर्ड्स, वेयर एज परचेज मैनेजर इज आउटसाइड द फैक्ट्री विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्चुअल। वो चीज पहले से वो लोग दोनों के साथ कंफर्म की जाती है। अब उल्टा भी तो होगा, प्रोडक्शन मैनेजर कम भी तो क्वांटिटी कंज्यूम करेगा, वो तो वही चाहेगा, सो ही विल ट्राई टू कंज्यूम लेस ओनली, जिसका बेनिफिट डेफिनेटली आगे जाके परचेज मैनेजर को भी मिलेगा। सर बजटेड और स्टैंडर्ड एक ही है ना? जी हां, आहो। क्या अभी अगर मैं, सुनो, अगर मैं यहां पे इमीडिएटली आपको बोलूं कि चलो फटाफट बनाओ एक फॉर्मूला का शीट, क्या बिना देखे बना सकते हैं? इफ यस, ट्राई इट आउट, कम ऑन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, इवन गूगल ड्राइव स्टूडेंट्स, फटाफट बना के बताओ मुझे फॉर्मूला शीट जो अभी अपन लोग ने किया है, लॉजिकली सोचो क्या किधर है एंड उस हिसाब से बनाओ, कम ऑन स्टार्ट।
सर इनकेस 120 ही होता प्राइस, तो अगर प्राइस में कोई डिविएशन ही नहीं है तो 22,000 क्वांटिटी वो 25,000 क्वांटिटी लाने दे, सब सही प्राइस पे लाया तो वेरिएशन जीरो होता, तो खाली सजा मिलती तेरे कंजम्पशन मैनेजर को, यूजेज प्रोडक्शन मैनेजर को बस, क्योंकि उसने ज्यादा कंज्यूम किया उसको खाली सजा मिलेगी, दैट्स इट। सर लॉजिक्स आर गुड बट विल इट नॉट टेक मोर टाइम इन एग्जाम, इन इंटर आई यूज द फॉर्मूला 1 - 2, 2 - 3, नेवर यूज इट इन सीए फाइनल। डू यू फील इन सीए फाइनल द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी एज इजी एज 1 - 2, 2 - 3, 1 - 3? डेफिनेटली नॉट, इट इज ओनली लॉजिक्स विच आर गोइंग टू वर्क बड़ी, दिस इज नॉट सीए इंटरमीडिएट, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू। यस करेक्ट प्रिया, सिर्फ पवन की गलती होगी देन, एंड खाली पवन को अपन लोग को रिस्पॉन्सिबल रखना पड़ेगा। इसके लिए मैंने बोला था जो भी आप लोग ने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में वो फॉर्मूला के हिसाब से किया है ना, प्लीज उसको दिमाग से निकाल दो, डजंट वर्क इन फाइनल, सॉरी। गाइस मैंने तुम लोगों को कुछ टास्क दिया है, फटाफट बना के बताओ मुझे बिना देखे, ठीक है? सो फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलास विदाउट लुकिंग, ग्रेट, मतलब मजा आ जाएगा अगर आप लोग ये कारनामा कर पाए तो। क्या खुद से बना पाए हैं आप पूरा का पूरा? क्या खुद से बना पाए हैं आप पूरा का पूरा? एक नंबर। अब देखो ये है ना, तुम लोग डिटेल में लिखना है लिखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं अपलोड कर दूं, अभी फ्लो में चल रहा है, फ्लो में चलने दो, क्या बोलते हो? और बाकी फॉर्मूला तो तुम लोग को खुद से लिखवा ही दिया है बिना देखे, ब्रिलियंट। मेरे पास सबके व्हाट्सएप आना चालू, ओ हो, मीति व्हाट अ ब्रिलियंट प्रेजेंटेशन मीति, ग्रेट यार। वेरी गुड चार्ली, दर्शना ब्रिलियंट यार, शाबाश, ब्रिलियंट चार्ली एंड दर्शना एज वेल, डन 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 डन। बोलो अब अगर आप लोगों को याद हो तो ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है, उसको डिवाइड किया जाता है मटेरियल यूसेज वेरिएंस और मटेरियल रेट वेरिएंस में। ये फॉर्मूला तो आप लोगों को लॉजिकली याद करके मैंने बता दिया। अब आप लोगों को पता है ये मटेरियल यूसेज वेरिएंस को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, क्या है वो? ट्राई करो याद करने का, याद है मटेरियल यील्ड वेरिएंस एंड मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस एंड मटेरियल मिक्स वेरिएंस। ये किड्स कौन है? किड्स, वेरी गुड सचिना, वेरी वेरी गुड, आई थिंक ये पवन है किड्स। मटेरियल यील्ड वेरिएंस एंड मटेरियल मिक्स वेरिएंस, अगर मैं आपको ये मटेरियल यील्ड वेरिएंस और या इसको सब यूजेज वेरिएंस भी बोलते हैं, करेक्ट, मेरे पास ये सिखाने के लिए एक मैजिक ट्रिक है, मेरे को यह सिखाने के लिए मेरे पास एक मैजिक ट्रिक है, आप बोलो तो यह मैजिक ट्रिक मैं आपको सिखा सकता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, आप बोलो तो यह मैजिक ट्रिक मैं आपको सिखा सकता हूं, बोलो सीखना चाहोगे मेरे साथ ये मैजिक ट्रिक, जिससे आपका मटेरियल यील्ड और मटेरियल मिक्स वेरिएंस, तो मतलब आप जादू करोगे और आपके दिमाग में आपका फॉर्मूला बैठ जाएगा। यस आओ करवाता हूं, चलो उसके पहले चलो आइए, अब मैं आपको सिखाने वाला हूं एक मैजिक ट्रिक। क्या मटेरियल यील्ड और मटेरियल मिक्स का फॉर्मूला याद रहता है किसी को? नहीं, बट आपको आधे घंटे बाद ये फॉर्मूला कभी भूलोगे नहीं, इतना अच्छी तरह से याद हो जाएगा, समझ जाएगा। आओ सबसे पहले मुझे बताओ, आप लोग फॉर्मूला लिख के मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का एक शॉर्टकट फॉर्मूला जो अभी अपन लोग ने सीखा क्या है, बोलो?
मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? इट इज स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, राइट। अच्छा, ये दोनों का फॉर्मूला तो तुम लोग बता दो ना, मटेरियल यूजेज वेरिएंस और मटेरियल रेट वेरिएंस का फॉर्मूला तुम लोग बताओ। कब आ रहे हैं? कमान 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 कमान, ये तुम लोग दोनों बताओगे फटाफट। स्टार्ट। हाँ भाई, तो यहां पे मैं देख रहा हूं पब्लिक ने पूरा का पूरा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का जो फॉर्मूला है एकदम मस्त डाल दिया है, एकदम मस्त डाल दिया है। तो अब नाउ वी विल टेक इट फॉरवर्ड। एक बार ये भी कंफर्म कर लेना ऑडियो वीडियो बराबर है ना, डन। अब मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं जादू, और इस केलाल के जादू का, अगर आपको जादू अच्छा लगे नाचीज का तो जरूर आप उसको पेटीएम या जीपे कर सकते हैं। बिल्कुल खो गए हम कहां, ठीक है। तो प्लीज अपना पेटीएम वॉलेट अपना गूगल पे रेडी रखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो नाचीज गूगल पे या पेटीएम या फोन पे से पैसा मंजूर करेगा। तो आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं मटीरियल यूसेज, सॉरी इसका 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 बच्चा मटीरियल यूसेज वेरिएंस का बच्चा, मटीरियल यूसेज वेरिएंस का बच्चा मटीरियल यील्ड वेरिएंस जिसको सब यूसेज भी कहते हैं, एंड मटीरियल मिक्स वेरिएंस। समझे क्या? चलो आ जाओ अब इसको सॉल्व करने का टाइम आ गया है, ठीक है। तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस कब आता है, क्या आपको पता है ये चीज? सबसे पहला तो क्या आप लोग ने ये वर्ड्स के बारे में सुना है? शायद सुना होगा, मटेरियल यील्ड वेरिएंस सब यूजेज और मटेरियल मिक्स वेरिएंस सुना होगा, चलो मैं उस बात को मान सकता हूं। बट क्या आप मुझे ये बता सकते हो, क्या डू यू नो, एवरीबॉडी डू यू नो
दैट ये फॉर्मूलाज यूज कब होते हैं या कब इनकी जरूरत पड़ती है? बोलो बोलो बोलो, चल चल चलो मैं आप लोग के साथ एक एग्जांपल देता हूं। पहले मैं आप लोग का बेसिक्स टेस्ट करना चाहता हूं। से फॉर एग्जांपल मैंने एक स्टैंडर्ड बनाया, स्टैंडर्ड बजट सब एक ही है, मैंने स्टैंडर्ड बनाया 10 यूनिट के लिए, मैंने स्टैंडर्ड बनाया 10 यूनिट के लिए और मेरा एक्चुअल है 10 यूनिट का। मैंने स्टैंडर्ड बनाया 10 यूनिट के लिए, क्वांटिटी रेट अमाउंट, ठीक है, मैंने स्टैंडर्ड बनाया और यहां पे से फॉर एग्जांपल है मेरे पास एक ही रॉ मटेरियल और वो एक रॉ मटेरियल 100 रॉ मटेरियल यूज करता है, 5 पर रॉ मटेरियल ₹500 का अमाउंट। और एक्चुअल में क्या हुआ पता है क्या? क्वांटिटी रेट अमाउंट ये हुआ, क्या हुआ कि 120 रॉ मटेरियल आया, 5 का ही लगा और ₹600 का मेरा कॉस्ट लग गया। क्या इस सिचुएशन में आएगा क्या मटेरियल यूसेज एंड मटेरियल मिक्स वेरिएंस? क्या इस सिचुएशन में आएगा क्या मटेरियल यूसेज और मटेरियल मिक्स वेरिएंस? बोलो बोलो, चल चल। मितिशा एक नंबर, क्या सही चीज बोली है बंदी ने? विकास वाला सा पल्ली, एब्सोल्युटली करेक्ट। सबसे पहला कंडीशन है देयर शुड बी मोर देन वन रॉ मटेरियल, सो यूसेज एंड मिक्स वेरिएंस विल कम व्हेन देयर इज मोर देन वन रॉ मटेरियल, व्हेन देयर इज मोर देन वन रॉ मटेरियल। क्या यहां पे एक से ज्यादा रॉ मटेरियल है क्या? द आंसर इज नो। तो क्या यहां पे यूसेज और मिक्स आएगा क्या? नहीं। ओके सर, ओके। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। पहला एग्जाम्पल हो गया, अभी कौन से एग्जाम्पल पे चल रहे हैं? एग्जाम्पल नंबर 2। आइए एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर 10 यूनिट्स, एक्चुअल फॉर 10 यूनिट्स, ठीक है। अब क्वांटिटी रेट अमाउंट, अब अगर से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है क्वांटिटी सॉरी हाँ रॉ मटेरियल एक्स, मेरे पास 2 रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल एक्स रॉ मटेरियल वाई, ठीक है, मेरे पास है रॉ मटेरियल एक्स, मेरे पास है रॉ मटेरियल वाई। अगर मेरे पास रॉ मटेरियल एक्स है तो ये मैंने सोचा है कि भाई मेरे को लग रहा है 100 यूनिट्स होएगा और ये 200 यूनिट्स होएगा, ठीक है। रेट 1, 2, 100, 400, चलो सो 300 यूनिट्स एंड 500 रुपीस होने वाला है। अब यहां पे क्वांटिटी रेट अमाउंट क्या हुआ पता है? अच्छा, क्वांटिटी रेट अमाउंट क्या है एक्चुअल का मैं बताता हूं। से 150x का यूज हुआ, 150y का यूज हुआ, तो इसका 1, इसका 2, 150 से 1.1 तो से 165, 2.1 तो 150 इंटू 2.1 315, टोटल 165 प्लस 315 एंड दिस इज ₹480। अब अगर मैं आपको पूछता हूं क्या इस क्वेश्चन में यूसेज और मिक्स आएगा क्या? बोलो बोलो, चल चल बोलो बोलो, चल चल। आएगा क्या इस पे यूसेज और मिक्स आएगा क्या? आपने बोला व्हेन देयर इज मोर देन वन रॉ मटेरियल, आपने बोला कि यूसेज और मिक्स आएगा। अब क्या यूसेज और मिक्स आएगा क्या? आएगा कि नहीं आएगा? वेल लेट मी टेल यू, इन दिस क्वेश्चन यूसेज नहीं आएगा पर मिक्स आएगा, यूसेज नहीं आएगा पर मिक्स आएगा। जी हां, क्यों सर? क्यों यूसेज नहीं आएगा? क्योंकि यूसेज तब आता है व्हेन टोटल क्वांटिटी ऑफ
रॉ मटेरियल, व्हेन स्टैंडर्ड टोटल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज नॉट इक्वल टू एक्चुअल टोटल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अगर आप यहां पे देखोगे तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल है 300 यूनिट, एक्चुअल टोटल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल भी है 300 यूनिट। ओ भाई साहब, ऐसे सिचुएशन में यूसेज नहीं आएगा, समझे? तो सर मिक्स आएगा क्या? आओ बताता हूं मिक्स कब आएगा। सुनो, यूसेज कब आएगा मुझे लिख के बताओ, यूसेज कब आएगा? यूसेज, ए सॉरी, यूसेज क्यों लिख रहा हूं मैं? इल्ड, 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 सॉरी 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 सॉरी, इल्ड 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 इल्ड, सब यूसेज या इल्ड, सब यूसेज। जादू होने वाला है, प्लीज ध्यान देना। मेरी हाथ की सफाई है, फिर तुम लोग बोलोगे हिला सर कैसे किया ये जादू, ऐसा मत बोलना, पहले बता रहा हूं। सब यूसेज, ए भाई सब यूसेज कब आएगा? सब यूसेज, अरे हाँ भाई गलती से लिख दिया यार, माफ कर दो। यील्ड या सब यूसेज कब आएगा? सब यूसेज या यील्ड कब आएगा? व्हेन टोटल ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी विच इज 300 इज नॉट इक्वल टू टोटल ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी। टोटल पे फोकस है, किस पे फोकस है? टोटल पे फोकस है। सो सब यूसेज कब आएगा? व्हेन टोटल ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज नॉट इक्वल टू टोटल ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी। एंड मिक्स कब आएगा? मिक्स कब आएगा? व्हेन रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज नॉट इक्वल टू रेशियो ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी। अगर आप लोग देखोगे ना तो यहां पे स्टैंडर्ड का रेशियो है 1:2 और एक्चुअल का रेशियो है 1:1। जब नहीं है तब आएगा मिक्स। ए समझी गुरु, आला रे आला सिंबा आला। मटेरियल यील्ड इज अदर नेम ऑफ सब यूसेज वेरिएंस, इसको यील्ड भी बोलते हैं। समझ में आया? समझ में आया? अभी सुनो, अभी सुनो, तुम्हारे साथ मैजिक होने वाला है। हाँ बता रहा हूं, 15 मिनट बाद मैजिक होगा। हाँ अच्छा, मेरा और एक एग्जांपल है, मुझे सिर्फ तुम लोग से अभी जवाब चाहिए। मुझे एक बात बताओ, मैं अभी जो एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं अभी जो आपको लोगों को एग्जांपल दे रहा हूं, इसमें स्टैंडर्ड भी है, इसमें एक्चुअल्स भी है, इसमें स्टैंडर्ड भी है, इसमें एक्चुअल्स भी है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी रेट, एक्चुअल्स क्वांटिटी रेट। क्वांटिटी कितना है पता है आपको? मेरे पास एक्स है रॉ मटेरियल और रॉ मटेरियल वाई है, ठीक है। इसका क्वांटिटी है 500 रॉ मटेरियल, इसका क्वांटिटी है 800 रॉ मटेरियल, सॉरी 1000 रॉ मटेरियल, ठीक है। रेट 5 5, और सामने सामने 600 रॉ मटेरियल, 1200 रॉ मटेरियल, रेट 6 7। आपको मुझे बताना है क्या सब यूसेज आएगा, क्या मिक्स आएगा कि नहीं।
हाँ भाई आ गया। क्यों? अरे 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 अरे, मैं समझाता हूं ना, आपको नहीं समझाते हो। सबसे पहले क्या सब यूसेज आएगा? क्या सब यूसेज टोटल ऑफ स्टैंडर्ड नॉट इक्वल टू टोटल ऑफ एक्चुअल? ओ, तो इस केस में सब यूसेज वैरायंस आएगा। बट सर ने यहां पे क्या लिखाया? रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। भाई साहब, यहां पे रेशियो क्या है इसका? 1:2। 1:2 तो स्टैंडर्ड का रेशियो क्या है भाई साहब? स्टैंडर्ड का रेशियो क्या है? 1:2 इज नॉट इक्वल टू एक्चुअल का रेशियो। अच्छा, एक्चुअल का रेशियो क्या है? ओ भाई साहब, 600:1200, 1:2। अरे ये तो इक्वल है, मतलब इस केस में मिक्स वैरायंस नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। समझे क्या? कुछ कुछ लोगों को डाउट था, मैं पूछता हूं। कौन कौन? पवन समझा तेरे को बेटा? फरीन समझा तेरे को? मोनिका जोशी, पहली बार नाम सुन रहा हूं मोनिशा जोशी का। पवन कुमार समझा? नीति, नीति अभी देख समझा क्या? नीति ने भी मिस्टेक किया। नीति समझा तेरे को अभी बेटा? और कौन है, और कौन है जिसको नहीं समझा था ये? रचित सेठिया समझा क्या? ये रचित सेठिया तो वही वाला है क्या जो इसने अभी मेरा वो SFM लिया था, वो फॉरेक्स डेरिवेटिव वाला? तो वही वाला है, समझे क्या? ओ, प्रिया जी को नहीं समझा? प्रिया जी को कोई प्लीज हेल्प करेगा? पवन सब आएगा, पहले कब कैलकुलेट यील्ड होगा वो बता। समझा? बोलो बोलो, चल चल। अब देखो स्टैंडर्ड रेशियो, प्रिया जी स्टैंडर्ड रेशियो, स्टैंडर्ड का मतलब, स्टैंडर्ड रेशियो का मतलब स्टैंडर्ड का जो डेटा है उसका रेशियो क्या है रॉ मटेरियल का? 1:2। गुंजन जी जब हम है रट्टा नहीं मारेंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का रेशियो क्या था? 1:2। एक्चुअल क्वांटिटी का रेशियो क्या है? 1:2। देखा 500 और 1000 क्या रेशियो हुआ? 1:2। एक्चुअल क्वांटिटी का रेशियो 600:1200 क्या रेशियो हुआ? 1:2। अरे क्या बात कर रही है। सो कैन आई से यहां पे 1:2 और 1:2 तो सेम रेशियो है, तो क्या मिक्स वैरायंस आएगा प्रिया जी? प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल का रेशियो, जय पा। सो रेशियो ऑफ, ले लिख देता हूं इधर तेरे लिए प्रिया, रॉ मटेरियल ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। खुश? जब ये इक्वल नहीं होगा, रेशियो ऑफ रॉ मटेरियल, तो यहां पे देख रेशियो क्या था? 1:2 एंड 1:1, मतलब रेशियो इक्वल नहीं है, तो रेशियो इक्वल नहीं है तो आएगा। अच्छा और एक एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेल रहा हूं मैं, देखते हैं कौन जवाब देता है फटाफट। ये स्टैंडर्ड का है और मुझे ना खाली क्वांटिटी लिखना है, बाकी रेट वेट तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तुम लोग नोट करोगे तो। खाली क्वांटिटी लिखना है ध्यान से। मेरे पास दो रॉ मटेरियल है, एक्स और वाई। मेरे पास दो रॉ मटेरियल है, 750 एंड से 1500, एंड यहां पे 1600 एंड 800। आपको बताना है कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा। आप लोग को बताना है कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा। सौरभ ने क्वेश्चन पूछा था, इस क्वेश्चन के साथ सौरभ तेरा भी जवाब मिल जाएगा तुझे। हा भाई, हा भाई, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, देखते हैं कौन है। प्रयास जैन आई थिंक विनर है। ब्रिलियंट, विकास वलसपल्ली इज रॉन्ग, नाउ यू आर राइट, नाउ यू गाइज आर राइट।
सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, यूसेज। यूसेज कब आएगा, जब ये 2250 इज नॉट इक्वल टू 2400, तो यूसेज आएगा टिक मार्क। अब दूसरे पे जाता हूं मैं, दूसरे पे जाता हूं मैं, इसका रेशियो है 1:2, इसका रेशियो है 2:1। भाई कौन से मैथमेटिक्स में 1:2 इज इक्वल टू 2:1? हाँ भाई सौरभ जी, कहीं भी नहीं। तो अगर ये इक्वल नहीं है तो मिक्स बी आएगा। तो पहला मेरा काम था आपको समझाऊं कि स्टैंडर्ड और एक्चुअल कैफे आता है, आई मीन यूसेज और सब यूसेज, अरे यार सब यूसेज और मिक्स कैफे आता है, सॉरी रूपम, सब यूसेज। ठीक है, पहले तो मैंने बोला वही समझा दूं, लोगों को वही नहीं पता होता है सब यूसेज कब आता है और मिक्स कब आता है। तो आई थिंक पहला मैंने वो पढ़ाओ तुम लोग का क्लियर कर दिया है। अब इनका फॉर्मूला, अब इनके फॉर्मूला के लिए आने वाला है आपके साथ जादूगर केलाल, जिसका नाम है संकल्प। आइए आइए आइए, एग्जाम्पल नंबर 5 इज गोइंग टू बी द पलंग तोड़ एग्जाम्पल, जिससे आप लोग को ये फॉर्मूला सेट करवाने वाला हूं मैं। आइए सबसे पहले मैं लिख देता हूं यहां पे, क्वांटिटी, रेट अमाउंट नहीं लिखूंगा तो भी चलेगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है चलो, फॉर्मेलिटी के लिए लिख लेते हैं। मेरे पास रॉ मटेरियल एक्स है, मेरे पास रॉ मटेरियल वाई है, 150 300 आ गया 450, 1, 2, 150, 300, कोई लेना देना नहीं है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर, एक्चुअल के ऊपर, क्वांटिटी रेट अमाउंट 1.1, 2.1, यहां पे है मेरा 1 से 70, लिखो लिखो 170 एंड लेट मी सी 450, 170 एंड 250। आपको मुझे बताना है सबसे पहला काम, कौन से वैरायंसेस आएंगे, कौन से वैरायंसेस आएंगे, सबसे पहले आप मुझे बताएंगे। अरे अमाउंट गया तेल लेने यार। देखो यील्ड तो आने ही वाला है, दिख रहा है, मिक्स भी आने ही वाला है, क्योंकि ये 150:200 मतलब 1:2, और क्वांटिटी 1:2 तो नहीं है, जो भी हो तो मिक्स भी आएगा, दोनों आएगा। ओके चलो थैंक गॉड, ये चीज अपने को समझ में आ गई। ओके 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 ओके, अच्छा अपन लोग अब क्या कैलकुलेट करने वाले हैं गाइस, अपन लोग अब क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, अपन लोग क्या कैलकुलेट करने वाले हैं वो तो बताओ मुझे, अपन लोग क्या कैलकुलेट करने वाले हैं। ओके अपन लोग सर कैलकुलेट कर रहे हैं मटेरियल सब यूजेज वैरायंस जो इस क्वेश्चन में आएगा, एंड मटेरियल मिक्स वैरायंस जो इस क्वेश्चन में आएगा। ठीक है ओके। अच्छा ये दोनों किसके बच्चे है तू, अरे मेरा बच्चा है तू, कौन कौन किसका बच्चा है ये सब यूजेज और मटेरियल मिक्स वैरायंस, किसका बच्चा है, किसका बच्चा है, चार्ली मटेरियल सब यूजेज और मटेरियल मिक्स वैरायंस किसका बच्चा है। अच्छा मटेरियल यूसेज का बच्चा है, ओके मेरा बच्चा है तो मटेरियल यूसेज वैरायंस मेरा बच्चा है तो ठीक, एकदम सही बोला। ओके 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 ओके, अच्छा अब मैं क्या बोलूं, ठीक है मुझे खाली एक चीज तुम लोग की तरफ से चाहिए, खाली एक चुटकी सिंदूर तुम लोग की तरफ से चाहिए, मतलब एक चीज चाहिए, ध्यान से सिर्फ तुम लोग को मुझे यहां पे एक चीज कैलकुलेट करके बतानी है, एंड इस चीज को कहते हैं
स्टैंडर्ड मिक्स क्वांटिटी, जो बोलता है, जो बोलता है भाई ये एज इट इज यहां पे लिख दो, और इसका रेशियो, इसका रेशियो 1:2 है, किसका रेशियो, स्टैंडर्ड का रेशियो, स्टैंडर्ड का रेशियो और टोटल यील्ड का, टोटल यील्ड का, तो 420 डिवाइड बाय 3, तो ये आ गया 140 एंड ये आ गया 280, बस इतना लिख लिया मैंने, ठीक है। चलो एक बार भूल जाओ, सब चीज को भूल जाओ, सब चीज को भूल जाओ, 240 नहीं 280, ठीक है। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, ये स्टैंडर्ड मिक्स क्वांटिटी इसको प्यार से बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड मिक्स क्वांटिटी, ठीक है। अब सुनो, अब सुनो, अब छोड़ दो, छोड़ दो, मत समझो, कुछ मत समझो, खाली मैंने क्या किया, एक बीच में दीवार खड़ी की है, स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच में एक दीवार खड़ी की है, क्या डाला है यहां पे मेरा, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड मिक्स क्वांटिटी, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड मिक्स क्वांटिटी। कैसे आई है स्टैंडर्ड मिक्स क्वांटिटी, टोटल का, एक्चुअल का टोटल ले लिया, एक्चुअल का टोटल ले लिया और स्टैंडर्ड का रेशियो ले लिया, एक्चुअल का टोटल कितना है 420 और स्टैंडर्ड का रेशियो कितना है 1:2, तो टोटल ऑफ एक्चुअल इज 420 इन स्टैंडर्ड रेशियो, 420 डिवाइड बाय 3 140 और इंटू 2 280, समझे क्या, स्टैंडर्ड इन एक्चुअल बेसिकली, समझा तो भी ठीक, नहीं समझा तो भी ठीक, हाँ एक्चुअल को खाली स्टैंडर्ड रेशियो में डिवाइड किया, बट ठीक है, समझा तो भी ठीक, नहीं समझा तो भी, अभी इधर आ जाओ, इधर आओ, अभी इधर आ जाओ, अब देखो आवरा का डाबरा इजिप्ट का ब्लू, जादू आ रहा है मेरे अंदर, वो पावर आ रहा है, पावर खींच रहा हूं मैं, ओके सुनो, अब आ रहा है मेरा मटेरियल यूसेज वेरिएंस का दो बच्चा, मटेरियल यूसेज, मटेरियल यूसेज वेरिएंस क्या बोलता है, मेरा बच्चा है तू, सब यूसेज वेरिएंस मेरा बच्चा है तू, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, अब ध्यान से सुनना प्लीज मेरी बात को, ठीक है, हाँ, मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, बोलो, अभी आप लोग ने इतनी बार किया तो आप लोगों को तो पता ही होगा, मटेरियल यूसेज वेरिएंस याद करो, पवन कुमार प्रोडक्शन मैनेजर क्या हुआ था, कंजम्पशन गलत किया था, उसका ये फॉर्मूला निकाला था, तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला आपको मुझे बताने, बस ठीक, सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, ओके 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 ओके, इनटू स्टैंडर्ड रेट, ओके ओके ओके, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, मेरे को तुम लोग के लिए एक परमिशन चाहिए तुम लोग से, कैन आई राइट 9-7 एज 9-6, कैन आई राइट दिस एज 9-6 +6 -7 = 2, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, अभी दिया परमिशन ना, तुम लोग परमिशन देते हो तो ठीक है भाई, मेरा मैथ्स थोड़ा वीक है, तुम लोग फाउंडेशन में मैथ्स करके आए हो तो तुम्हारे को ज्यादा पता है, बोलो क्या मैं एफए लिख सकता हूं क्या, श्योर पक्का, सौर डैम सौर लिख सकता हूं क्या मैं ऐसे, ओहो सौरभ बोलता है -6 + 6 कैंसल, अच्छा ओ थैंक यू फॉर टेलिंग सौरभ, थैंक यू थैंक यू, चलो अच्छा और एक और एक और एक और एक, और एक। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, क्या मैं 8-3 को ऐसे लिख सकता हूं क्या, प्लीज क्या मैं आप लोगों की परमिशन के साथ ऐसे लिख सकता हूं क्या, आई आई है, अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद आ रहा है, ओहो ऐसा तो कोई बड़ा इक्वेशन नहीं है ये, अगेन सौरभ वाला लॉजिक, थैंक यार सौरभ तूने हम लोग को इतना इंपॉर्टेंट लॉजिक बताया,
वरना हम लोग को समझ में ही नहीं आता। पर तुम लोग ने बोला यस सर ऐसे भी लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डन डन। अच्छा क्या मैं, क्या मैं लास्ट लास्ट बता दो मुझे प्लीज बता दो लास्ट वाला, क्या मैं 2-1 को 2-7 + 7 - 1 ऐसे लिख सकता हूं क्या? बोलो। थैंक यू सर। क्या मैं 2-1 को ऐसे लिख सकता हूं क्या? बोलो बोलो चल चल। जी हाँ जनाब लिख सकते हैं। ओके ओके आबरा गडाबरा आबरा गडाबरा। अब सुनो अब सुनो अब सुनो, अब मटेरियल यूसेज वैरायंस का बच्चा है सब यूसेज वैरायंस और मिक्स वैरायंस। मटेरियल यूसेज वैरायंस का बच्चा है सब यूसेज वैरायंस और मटेरियल मिक्स वैरायंस। मटेरियल यूसेज वैरायंस मैंने लिखा SQ - AQ × SR। अब मैं आप लोग के सामने खाली एक चीज और इंट्रोड्यूस कर रहा हूं एंड दैट इज SMQ। क्या मैं इस चीज को, क्या मैं इस चीज को जो अभी अपन लोग ने लिखी है, क्या मैं इसको SQ - AQ को SQ - SMQ + SMQ - AQ × SR क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या एवरीबॉडी? यस और नो? सेम लॉजिक लिख सकता हूं। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोग का फॉर्मूला आ गया है। सब यूजेज इज नथिंग बट दिस विच इज SQ - SMQ × SR। SR तो पूरे के लिए कॉमन है। एंड मेरा दूसरा फॉर्मूला SMQ - AQ × SR मेरा दूसरा फॉर्मूला मिक्स का भी आ चुका है। जी हाँ अगर आपको यूसेज का फॉर्मूला आता है SQ - AQ, खाली बीच में घुसाना SMQ को, -SMQ + SMQ दोनों को स्प्लिट करो एंड यू हैव द फॉर्मूलाज फॉर सब यूसेज एंड फॉर मिक्स वैरायंस। जादू कंप्लीट हुआ बोले तो दर्शना पूछ रही थी लिखना क्यों है ऐसा, समझे दर्शना जी? पार्थ बोल रहा है SMQ - AQ will be 0। भाई कभी भी टोटलिटी में कंपैरिजन नहीं होता है, इंडिविजुअल का कंपैरिजन होता है। तो तू जब कंपेयर करेगा ना बेटा, ओ पार्थ बेटा तू कंपैरिजन इसको इसके साथ करेगा और इसको इसके साथ करेगा, तो तू एक्स का सब यूजेज निकालेगा, एक्स का मिक्स निकालेगा, वाई का सब यूजेज निकालेगा, वाई का मिक्स निकालेगा, तो जीरो नहीं होगा, आएगा वैरायंस। थैंक यू सो मच अधीरा। जिंग जिंग अमेजिंग। वाह। सो अब अगर मैं आपको बोलता हूं क्या मैं सब यूजेज और इसका भी फॉर्मूला लिख सकता हूं, एंड यू विल से सर मटेरियल यूजेज वैरायंस का फॉर्मूला क्या है SQ - AQ × SR। इसका बच्चा है मटेरियल सब यूसेज एंड मटेरियल मिक्स। मटेरियल सब यूसेज क्या बोलता है ये सब छोड़ो, हम बीच में घुसाएंगे, अरे यार हम बीच में घुसाएंगे इनकी सौतन SMQ को, और वही कमाल कर देगी SQ - SMQ - SMQ - AQ × SR। तो दोनों में कॉमन है, बन गया फॉर्मूला आप लोगों के सामने। थैंक यू, अच्छा लगा हो तो आप जीपे फोन पे नंबर समझे गुड़ू। थैंक यू सो मच रूपम, थैंक यू सो मच एवरीवन। बस अब मैं SMQ सिखा दूंगा तो समझ लो तुम्हारे लिए ये मस्का हो गया, और SMQ तो 2 मिनट में सीख जाओगे। ये देखो ताको लिखो, जो करना है करो।
क्या बात है, मेरे बच्चे कितने दिलदार है। मेरे पास ऑलरेडी 25,000 रुपए का पेटीएम आ चुका है। क्या बात है, थैंक चार्ली पटेल। जादूगर सम्राट, कोई फॉर्मूला याद मिक्स नहीं होगा, अब सब याद रहेगा। अरे यार, मेरा पेटीएम बार बार बज रहा है, बस करो यार, बस करो यार। माय गॉड, ये बच्चे सच्ची में यार, इतना प्यार मुझे सच्ची में। इतनी मोहब्बत सह ना सकूंगा, सच मानो जिंदा रह ना सकूंगा। क्या बात, चल अरे यार क्या बताऊं। चलो अब एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं गाइस, एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा इज आस्किंग हु इज दैट मुकेश, ओ एम जी, लाइक सीरियसली यू डोंट नो मिस्टर मुकेश। वाओ विकास, देखो कैंडल लाइट में पड़ रहा है, उसके उधर इलेक्ट्रिसिटी गया तो क्या डेडिकेशन है। यू टेल योर यू यू विल टेल योर किड्स दिस हाउ यू यूज टू स्टडी। एक एक सेल्फी ले ले उसका विकास, या एक उसका है ना वीडियो ले ले और मुझे व्हाट्सएप कर दे, मैं मेरी इंस्टा स्टोरी पे डालूंगा दैट दिस द डेडिकेशन ऑफ चार्टर्ड स्टूडेंट्स। सर सिर्फ फॉर्मूला लिख के आने पे मार्क्स मिलता है क्या? मुझे नहीं पता मिलता है कि नहीं, बट अगर कोई मेरा स्टूडेंट मुझे ऐसा जवाब पूछे कि सर खाली फॉर्मूला लिख के आओ तो मार्क्स मिलेगा क्या, तो मेरा हाथ और उसका गाल का कनेक्शन बैठ जाएगा। तो इसलिए अब समझ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ओ नो पावर इन हैदराबाद, ज्यादा हो गया तो मेरे को भेज दो। अरे यार सब तेरा ही है यार दक्ष। चलो ओके सो लेट्स स्टार्ट। वर्चुअल थप्पड़ तो उसको मिल ही गया। अरे नहीं रे पवन यार, तू तो मेरी जान है, क्यों ऐसा बोल रहा है? सर आप मेरे से गुस्सा हो गया? अरे भाई एक मुझे कोई चाहिए यार जिसको टारगेट कर सके, मेरा मेरा जोक बन सके। तू मेरा यार वो आज बन गया मस्त टारगेट, मेरे इतने सारे जोक्स मैं मार पाया। और तू पूछ रहा है सर बुरा लगा आपको कोई बात का, आप मेरे से नाराज हो, इमोशनल हो रहा है इधर। यार कितना सेंटी आदमी है यार, मर्द बन गया मैन सेंटी कहीं के। कोई मुझे यार भाई कोई वो नहीं है यार, कोई तो चाहिए ना। कैसी बातें करता है यार ये बच्चा। हाँ भाई, अगले अगले उसमें तुझे तुझे मैं बनाऊंगा सेल्स मैनेजर, और सेल्स मैनेजर में प्रॉफिट कमाऊंगा। ओके हाँ, मतलब कोई ना कोई तो टारगेट चाहिए था, मतलब ये कुकरेजा बज गया बड़ी साई, क्योंकि वो कस्टमर बन गया, वरना वो प्रोडक्शन मैनेजर बनता तो उसकी बचती। चलो चलो भाई चलो, मेरे को भी फटाफट इसको रिवाइज करवाना है, फिर अपने को रैप अप करना है आज के लिए। लेबर वाले आज नहीं आएंगे केबिन में, बड़ा बड़ी उतावली हो रही है ये बंदी। आराम से सबका नंबर आएगा यार, सबकी बजेगी। चलो सो नाउ, सबसे पहले मटेरियल सब यूजेज और मटेरियल मिक्स कब आता है? मटेरियल सब यूजेज तब आता है जब टोटल ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज नॉट इक्वल टू टोटल ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी। मटेरियल मटेरियल मिक्स कब आता है? व्हेन रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड इज नॉट इक्वल टू रेशियो ऑफ एक्चुअल्स। तो यहां पे वो दोनों चीज सेटिस्फाई हो रहा है तो मुझे पता चल गया सब यूजेज और मिक्स आने वाला है। ठीक है अब सुनो, यहां पे अब
फॉर एग्जाम्पल मुझे स्टैंडर्ड क्वांटिटी है और एक्चुअल क्वांटिटी है, वो मेरे को यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला पता है। इसमें मुझे खाली एक हेल्प तुम लोग से चाहिए कि तुम लोग स्टैंडर्ड मटेरियल क्वांटिटी बना लो, बस। वो स्टैंडर्ड मटेरियल क्वांटिटी कैसे बनता है, वेल उसके लिए फॉर्मूला है। स्टैंडर्ड मटेरियल क्वांटिटी इज बेसिकली टोटल ऑफ, सुनो, स्टैंडर्ड मटेरियल क्वांटिटी इज टोटल ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो। क्या बोला? स्टैंडर्ड मटेरियल क्वांटिटी इज टोटल ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो। ठीक है, समझे क्या? अभी क्लियर एवरीबॉडी? दिस इज स्टैंडर्ड मिक्स क्वांटिटी। तो अब ये स्टैंडर्ड मिक्स क्वांटिटी, तो जो स्टैंडर्ड है और एक्चुअल एक दूसरे से बातें करेंगे। तक्ष, इरशाद, गौर फरमाइए, क्या के स्टैंडर्ड और एक्चुअल एक दूसरे से बातें करेंगे, यही तेरी दोस्ती, यही तेरा प्यार, अपन दोनों के बीच में आ गई स्टैंडर्ड मिक्स क्वांटिटी की दीवार। क्या बात है, क्या बात है, यही तेरी दोस्ती, यही तेरा प्यार, अपन दोनों के बीच में आ गई स्टैंडर्ड मिक्स क्वांटिटी की दीवार। ठीक है, तो स्टैंडर्ड मिक्स क्वांटिटी बीच में आ जाएगा। कैसे करेंगे स्टैंडर्ड मिक्स क्वांटिटी? टोटल ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो, इन स्टैंडर्ड रेशियो। गॉट इट एवरीबॉडी? यस सर, डन। अब मटेरियल यूसेज वेरिएंस, अब मेरा मटेरियल यूसेज वेरिएंस कैलकुलेट करने का टाइम आ गया है। सॉरी, सब यूसेज और मिक्स, तो मैं क्या करूंगा, SQ माइनस AQ लिखूंगा, बीच में माइनस SMQ प्लस SMQ कर दूंगा, जिससे मेरा फॉर्मूला सब यूजेज का बन जाएगा SQ माइनस SMQ। और तुम लोग के दिमाग में ही तुम लोग फॉर्मूला बना सकते हो, SQ माइनस SMQ एंड SMQ माइनस AQ। आओ इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि तुम लोग और कंफ्यूजन ना हो, क्लैरिटी आ जाए। आइए, चलो भैया, ये दीवार टूटती क्यों नहीं? अरे SK के लॉजिक से जो बनी है, अरे SK के लॉजिक से बनी है, अरे अंबुजा सीमेंट से नहीं। आओ आओ आओ, सो अब मैं आप लोग को, सुनो, अब मैं आप लोग को ये वाला सम सॉल्व करवा रहा हूं। सुनो, आओ, मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस का पहले फॉर्मूला लिखो। मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला है SQ माइनस SMQ इनटू SR इनटू SR। ठीक है, अब यहां पे मेरे पास दो रॉ मटेरियल है, X और Y। मैंने सोचा था कितना क्वांटिटी कंज्यूम करूंगा, 150। मैंने सोचा था 150 कंज्यूम करूंगा। अब ये पवन 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 ने सोचा था 150 क्वांटिटी कंज्यूम करेगा, अब उसने एक्चुअल में 140 क्वांटिटी कंज्यूम किया है। कैन आई से 10 क्वांटिटी कंज्यूम किया है? आई एम वेरी हैप्पी विद पवन इनटू स्टैंडर्ड। कभी भी याद रखना, क्वांटिटी में स्टैंडर्ड रेशियो इनटू स्टैंडर्ड रेट, एंड दैट इज 1। तो यहां पे मेरा आ जाएगा 10 इनटू 1, 10 फेवरेबल, 10 इंटू 10 10 इंटू 1 फेवरेबल। SR कैसे लेना है? ओ मैडम जी, नीति मैडम जी, यहां पे दिया हुआ है ना स्टैंडर्ड रेट, ये स्टैंडर्ड रेट है, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, ये स्टैंडर्ड अमाउंट है, तो स्टैंडर्ड रेट दिया तो है मीति, 1 और 2। ठीक है, और दूसरा वाई का क्या सीन है? 300 सोचा था, 280 निकला। अरे वाह यार पवन, मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे पीले, तूने तो और कम क्वांटिटी में किया है। इनटू स्टैंडर्ड रेट टू। सो यहां पे मेरा हो जाता है 40। क्या हो जाएगा? 40 फेवरेबल। वाह पवन मेरे लाल, मैं तो तुझे पत्थर समझता था, पर तू तो हीरा निकला, हीरा निकला। अरे तू तो पुरुष ही नहीं, महापुरुष। चलो, एंड दूसरा मेरा आ जाएगा मटेरियल मिक्स वेरिएंस।
मटेरियल मिक्स हो रहा है। कैसे निकालेंगे ये एक्स वाई। चलो सो मटेरियल मिक्स हो रहा है इसमें क्या आएगा, अगेन स्टैंडर्ड मिक्स क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड मिक्स क्वांटिटी एक्स का 140, एक्चुअल 170। सो अब यहां पे ध्यान से सुनना, 140 माइनस 170 ये स्टैंडर्ड मिक्स क्वांटिटी स्टैंडर्ड जैसा है और एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल है। तो सोचा था 140, खर्चा हुआ कंज्यूम हुआ 170 का, इनटू स्टैंडर्ड रेट तो वही रहेगा तो 30। अब पवन का कान पकड़ लूंगा मैं, बोलूंगा ओ भैया तेरी वजह से यहां पे मुझे नुकसान हो गया, तूने ज्यादा कंज्यूम कर लिया। और यहां पे लास्ट 280 माइनस 250, हमने सोचा था 280 कंज्यूम करेंगे बट 250 कंज्यूम किया है, शाबाश मेरे लाल मेरे पीले, शाबाश मेरे चीते। 60 का फेवरेबल। कहने का मतलब ये हो जाएगा दैट व्हेन एसक्यू इज ग्रेटर देन एसएमक्यू, SQ is greater than SMQ, favorable होगा, and when SMQ is greater than AQ, favorable होगा, and vice versa। बोलो अभी तुम लोग को इधर तक अगर सेट हो गया है तो मैं आज का क्लास इधर ही एंड करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इससे बियॉन्ड गया तो कहीं ओवरहेड्स ना चले जाए। इधर तक अच्छे अच्छे लेवल पे अगर अपन क्लोज कर रहे हैं, आई विल से इट एंड ऑफ डिस्प्ले। यस प्रकल्या मैडम, विल डू दैट एट द राइट टाइम, डोंट वरी मैडम। यामिनी जी मैं बैठा हूं इधर ही, कहीं नहीं गया हूं। मजा आया? ये मजा मैं सबको देना चाहता हूं। चल सुपर ऑसम फैंटास्टिक, सब लोग की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस आ गया है। जाते जाते मैं जितना भी आज वैरायंसेस किया है उसको रिवाइज करना चाहूंगा। स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट मतलब कितना क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट मतलब कितना क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट। कौन दो लफंगे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कौन दो लफंगे? एक प्रोडक्शन मैनेजर, एक परचेज मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर को बोलूंगा मैं, ए भाई तू बोला था स्टैंडर्ड क्वांटिटी इतना लाएगा, एक्चुअल में इतना लाया है बट तू विद इन द फैक्ट्री है स्टैंडर्ड रेट। परचेज मैनेजर को बोलूंगा तू बोला था स्टैंडर्ड रेट कितना रखेगा, एक्चुअल में कितने में लाया है बट तू बाहर जाता है एक्चुअल क्वांटिटी। मैं इधर गया इमीडिएटली वापस प्रोडक्शन मैनेजर के पास, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, मटेरियल सब यूजेज एंड मटेरियल मिक्स। मैं इधर बोला भाई, भाई का फॉर्मूला क्या है? भाई का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। बट इन दोनों के बीच में ये है हमारे अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह, इन दोनों के बीच में आ गई है प्रियंका चोपड़ा। किसी ने मुझे बोला कि सर गाना गाइए, क्यों ना गाने को एक मूवी से कनेक्ट कर दिया जाए। अरे तूने मारी एंट्री और दिल में बजी घंटी, अरे टंग 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 टंग। तो एस क्यू माइनस एस एम क्यू, तो जैसे ही एस एम क्यू ने एंट्री मारी मेरे दिल की घंटी बज गई, क्योंकि मेरा फॉर्मूला बन गया एस एम क्यू माइनस ए क्यू इन टू एस आर। आर वी अंडरस्टैंडिंग गाइस। अरे तूने मारी एंट्री और दिल में बजी घंटी, अरे टंग। दिल की तुम कमेंट्रिया, हार की कमेंट्रिया, तुम
चलो डन एंड डस्टेड गाइस, मजा आ गया मेरे को भी। एंड अरे हाँ मेरे भाई, लेंगे जूम लेंगे, ठीक है चलो। सी यू ऑल टुमारो, टाइम फॉर मी टू से हास्ता ला विस्ता, प्लीज रिवाइज करके जाना। थैंक यू फॉर द पावर पैक सेशन, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, बाय बाय बाय। एस क्यू एंड एस एम क्यू में फेवरेबल कैसे डिसाइड होगा, प्लीज रिपीट, आओ जरूर बताता हूं मैं। अरे एस क्यू और एस एम क्यू में ना, एस एम क्यू को एक्चुअल जैसा ट्रीट कर, और एस एम क्यू और ए क्यू में ना, एस एम क्यू को स्टैंडर्ड जैसा ट्रीट कर, सिंपल, तो तेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है सौम्या, डन। चलो मैं ये आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूं, अपलोड कर रहा हूं, तुम लोग प्लीज इसको डाउनलोड करके कॉपी कर लेना। मैंने तुम लोग को कॉपी करने का टाइम नहीं दिया था आज, सो इफ यू कुड डू दैट विल रियली बी हेल्पफुल। ठीक है, चलो बाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।